Hello, students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So, friends, we have an application by the name Carriers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application? Because this is the one stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help here you will be provided with multiple courses here you will be provided with multiple options of quizzes and even you, here you will be provided current affairs on daily basis pdfs and quizzes will be provided to you on daily basis both in hindi as well as english here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also here remember once you have done watching our video then you can log in through this application take out the pdf read that pdf and go through the quizzes that will enhance your preparation same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also in monthly you will be provided with the top 100 important questions pdf and video also that will enhance your learning and it will be a very benefit and beneficial and important video for the revision perspective and not just this friends apart from this we also provide you banking and economic questions we provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps, and web portals.

तो ये प्रोडक्ट कहां का है जिसको अभी जी टैग मिला तो ये जम्मू एंड कश्मीर का रहेगा मार्क करके चलेंगे ठीक है फिर इसी के साथ बताओ पहली वीमेन जिन्होंने अभी स्काई डाइव किया स्काई डाइव किया फ्रॉम माउंट एवरेस्ट क्या नाम है शीतल महाजन शीतल महाजन करेक्ट पहली वीमेन जिन्होंने स्काई डाइव किया फ्रॉम माउंट एवरेस्ट शीतल महाजन फिर कौन होस्ट करेगा सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समेट कौन होस्ट कर रहा है हमारी इंडिया नेक्स्ट किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने अभी रिसेंटली साइन किया 6.5 मिलियन सीनियर सिक्योर्ड लोन अग्रीमेंट विद ग्रीनवे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ग्रीनवे कार्बन क्रेडिट जेंडर फाइनेंस प्रोजेक्ट तो किसके द्वारा यह फंड किया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा राइट सिक्स मिलियन डॉलर का फंड रहेगा एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पे रहेगी स्टोव्स राइट right, जो कुक स्टोव्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा जो कि स्मोक एमिशन को रिड्यूस कर देंगे बाय 70 परसेंट एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है उसमें हमें एक भारी गिरावट देखने को मिलेगी ऑफ 22.9 मिलियन टन्स राइट ये कुको कुक स्टोव्स प्रोवाइड करा जाएंगे टू द रूरल उस होल्ड जहां पर अभी तक हम गैस का कनेक्शन नहीं देख पा रहे हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक करेगा रिलीज बाई बी सी इन नवंबर दो हजार तेईस तो वह है कार्तिकी गों राइट ये वो वीमेन है जो कि लिस्ट नहीं की गई थी दिया मिर्जा हरमनप्रीत कौर आरती कुमार राव एंड जैत सुमा इन चारों को लिस्ट किया गया था इन दिस

इंडियन आर्म फोर्स टुक पार्ट इन द एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद इंडियन आर्मी एंड ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी अभी ऑस्त्रा हिंद लोकेशन क्या रहेगी पर्थ ऑस्ट्रेलिया राइट तो और ये कौन सा एडिशन था इस एक्सरसाइज का ये सेकंड एडिशन रहेगा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का ऑस्ट्रा हिंद का जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच में हुई थी यहीं पे याद रखेंगे फ्रॉम इंडियन आर्मी किसने पार्टिसिपेट किया गोरखा राइफल्स गोरखा राइफल्स के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट करा गया नेक्स्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी लोन अप्रूव किया ऑफ डैश अमाउंट फॉर महाराष्ट्र टर्शरी केयर एंड मेडिकल एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम तो वो रहेगा फाइव हंड्रेड मिलियन डॉलर राइट तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाँच सौ मिलियन डॉलर का अभी एक पैकेज लोन अप्रूव करा फॉर महाराष्ट्र मेडिकल एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट जो अपकमिंग बच्चे होंगे इस सेक्टर में जो यंग जनरेशन है उनको यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए राइट right? उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए क्योंकि वो फ्यूचर रहेंगे इसीलिए पाँच मिलियन डॉलर का ये लोन अग्रीमेंट साइन किया गया नेक्स्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया एक एमओयू विद ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स टीबी मलेरिया एंड टू टैकल द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हेल्थ तो ये रहेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आई करेक्ट माय सेल्फ नहीं ये है वर्ल्ड बैंक राइट वर्ल्ड बैंक ने किसके साथ ग्लोबल फंड के साथ यहां पर टाइप करा था ताकि टीबी मलेरिया एड्स राइट एंड क्लाइमेट चेंज इसके ऊपर वर्क करा जा सके ंग ऑन विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेवेंथ एडिशन ऑफ बेंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट जो कि अभी कोलकाता में हुई थी तो इससे रिलेटेड देखें तो तीनों ऑप्शन यहां पर आपके बिल्कुल सही रहेंगे ठीक इसी के साथ साथ बताओ सी आई टी आई आई एस टू पॉइंट ओ ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया कहाँ लॉन्च किया गया न्यू डेली में लॉन्च किया गया फिर एक आ जाता है सनफ्लावर इनिशिएटिव ये जो सनफ्लावर इनिशिएटिव था ये यह कहा लॉन्च किया गया था डेली एयरपोर्ट पर लॉन्च किया गया था नेक्स्ट है डैश एडिशन ऑफ इंडो नेपाल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण बिटवीन इंडिया एंड नेपाल बिगेन एट पिथौरागढ़ उत्तराखंड इन नवंबर तो कौन सा एडिशन रहेगा इस एकस एक्सरसाइज का तो सत्रहवा एडिशन रहेगा ये इंडो नेपाल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है सूर्य किरण राइट right, सूर्य किरण किसके बीच में हुई थी इंडिया एंड नेपाल के बीच में हुई लोकेशन क्या रहेगी पिथौरागढ़ उत्तराखंड में यह एक्सरसाइज हुई थी डैश ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2024 इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया चेयर बन गया है 2024 के लिए मार्क करके चलेंगे ये अनाउंसमेंट की गई ड्यूरिंग दिक्कस थर्ड काउंसिल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन जो कि लंडन में हुई थी लंडन यूके में ठीक है एज अ चेयर ऑफ आई इंडिया लीड करेगा ग्लोबल शुगर क्टर को नेक्स्ट नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए रिसेंटली जरा बताओ बेस्ट प्लेसेस टू विजिट 2024 की लिस्ट में कौन सी सिटी आई वो है कोची केरला ठीक है फिर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था कहां पर हुआ प्रगति मैदान में हुआ एंड कौन सा एडिशन था इसका फोर्टी सेकंड एडिशन हमने देखने को मिला एट इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इन न्यू डेली प्रगति मैदान में नेक्स्ट यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने रिलीज किया फोर्टींथ एडिशन ऑफ एमिशन गैप रिपोर्ट जिसका नाम है ब्रोकन रिकॉर्ड टेम्परेचर हिट्स न्यू हाइज येट वर्ल्ड फेल्स टू कट एमिशन अगेन इन नवंबर 2023 एज पर द फोटींथ एडिशन ऑफ द एमिशन गैप रिपोर्ट द वर्ल्ड मस्ट रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाई एटलीट अट्ठाइस से चौबीस परसेंट बाई डैश ईयर टू लिमिट वार्मिंग अगर 28 परसेंट का रिडक्शन देखने को मिलता है तो दो परसेंट एंड बयालीस परसेंट का रिडक्शन देखने को मिलता है तो डेढ़ेंट डेढ़ डिग्री सेल्सियस तक हम इसको लिमिट कर सकते हैं अपने टेम्परेचर को तो टारगेट ईयर क्या है ये टारगेट ईयर वही रहेगा जो कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का टारगेट है दो ठीक है नेक्स्ट हु हैज रिसेंटली वन नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू अंडर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो किन्होंने जीता वो है देखो ये अवार्ड भी तीन चार हैं एक तो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये जीता है डॉक्टर कमाची मुदाली उइट कमाची मुदाली उथांडी के फिर अगर मैं बात करू नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड ये किन के द्वारा डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य अवार्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आयरन एंड स्टील सेक्टर ये किसके द्वारा दौर जीता गया डॉक्टर रामेश्वर शाह के द्वारा राइट right, मार्क करके चलेंगे और एक यंग मेटलर्जिस्ट अवार्ड है यह भी याद रखेंगे डॉक्टर निलॉय कुंडू के द्वारा इसको सम्मानित किया गया नेक्स्ट क्रिकेटर मेघन मौर्या, मौर्या मौर्या मोयरा लेनिंग ये किस स्पोर्ट्स से रिलेट करती हैं जैसा नाम है क्रिकेटर किस टीम के लिए खेलती हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलिया की ये कैप्टन थी फॉर्मर कैप्टन जिन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया एट द एज ऑफ थर्टी वन फिर इसी के साथ साथ सी बकथॉन सी बक बकथॉन प्रोडक्ट है जिसको अभी जीआई टैग मिला फोर्थ प्रोडक्ट रहेगा फ्रॉम लद्दाख जिसको अभी जीआई टैग मिला ठीक है एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड यह यूपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है नेक्स्ट विच कंट्रीज वट हैज बिकेम द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो यह वट कहां का है कंबोडिया का रहेगा एंड इट हैज बिन डिक्लेयर्ड एज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड एंगोर वहां का कंबोडिया का लेड लेड में में, में, में किस सिटी ने टॉप किया है इंडिया की तो वो है बेंगलुरु ठीक फिर अभी कौन सा एडिशन हुआ था बेंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का वेस्ट बंगाल में तो ये सेवेंथ एडिशन था बेंगोल ग्लोबल बिजनेस समिट का फिर ग्लोबल मीडिया कांग्रेस अभी कहां पर हुई ग्लोबल मीडिया कांग्रेस ये कहां पर हुई धाबी में आबू दाबी में देन इंडिया की क्या रैंक आती है इन द ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग तो इंडिया की क्या रैंक रहेगी तो इंडिया आ जाता है आपका थर्ड पोजिशन पे इन द ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग कौन सी पोजिशन आ जाती है इंडिया की थर्ड पोजिशन राइट नेक्स्ट नेम द पर्सनैलिटी रिसेंटली वन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बुकर प्राइज फॉर द नॉवेल प्रॉफिट सॉन्ग तो वो है पॉल लिंच ये आयरिश ऑथर है राइट आयरिश पोएट है और इनको 2023 के बुकर प्राइस से सम्मानित करा गया मार्क करके चलेंगे इंपॉर्टेंट रहेगा राइट और इनकी नॉवल का नाम क्या रहेगा प्रॉफिट सॉन्ग इनको पचास हजार पाउंड स्टर्लिंग से भी यहां पे सम्मानित किया गया इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए अभी रिसेंटली आर ने एक्सिस बैंक पर कितनी अमाउंट की पेनल्टी इंपोज करी थी तो 90.92 लाख रुपीस की यहां पे पेनल्टी इंपोज की गई थी एक्सिस बैंक के ऊपर राइट right? फिर वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात की गई इंडिया के द्वारा बाय 2027 एंड इंडिया ने अभी रिसेंटली फोर ट्रिलियन डॉलर जीडीपी का मार्क भी टच करा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल मिल्क डे 2023 तो यहां पर अगर हम देखें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी सही रहेगा सी गलत है ए कह रहा है कि टेंथ नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन ट्वेंटी सिक्स ऑफ नवंबर टू कमरेट हंड्रेड एंड सेकंड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन जो कि फादर है व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया देन ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशनल मिल्क डे जो कि छब्बीस नवंबर को है हमारे मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड डेरिंग पुरुषोत्तम रूपाला जी ने रिलीज किया था बेसिक एनिमल हेल्थ एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक्स दो हजार तेईस इन गुवाहाटी असम अंडर मिल्क प्रोडक्शन ग्रोथ ऑफ फोटी थ्री पॉइंट नाइन वन ओवर द फाइव ईयर वॉज विटनेस इन इंडियाज मिल्क प्रोडक्शन एंड यहाँ पे गुजरात ने सिक्योर की फर्स्ट पोजिशन एज द हाइएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट तो नहीं यह गलत आ जाता है इसी रीजन की वजह से ऑप्शन गलत है गुजरात ने टॉप नहीं किया है बल्कि टॉप करने वाली स्टेट है उत्तर प्रदेश इन द मिल्क सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया की कौन सी है उत्तर प्रदेश नेक्स्ट इन विच कंट्री एशियन इंडिया मिलिट फेस्टिवल वॉज रिस ऑर्गेनाइज द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड इंडियन मिशन टू द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन तो याद रखेंगे ये एशियन इंडिया मिलिट फेस्टिवल जो था साउथ जकार्ता में हुआ इन इंडोनेशिया साउथ जकार्ता में इन इंडोनेशिया ये हमें देखने को मिला था राइट right मार्क करके चलेंगे एंड इसका क्या है मिलिट्स के यूज को बढ़ावा देने के लिए एंकरेज करने के लिए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया क्योंकि मिलेट एक काफी हार्डी और फाइबरेस क्रॉप है इवन अगर आपको याद हो राजनाथ सिंह ने जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है इनके द्वारा मिलेट्स के यूज को प्रमोट किया गया था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस नेक्स्ट विच वर्ड हैज हैजिन सेलेक्टेड एज द वर्ड ऑफ द ईयर दो बाय मेरियन वेबस्टर तो मेरियन वेबस्टर के द्वारा कौन से वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया था वो है ऑथेंटिक राइट ऑथेंटिक इज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर दो एंड ऑथेंटिक मीन्स इमिटेशन मतलब जो ट्रू टू इट ऑन पर्सनैलिटी रहे मूविंग ऑन विच कंट्री हैज रिसेंटली रिलेक्टेड एंड्री रेजोलिना एज द प्रेजिडेंट फॉर द थर्ड टर्म वो रहेगा मेडागैसकर राइट मेडागैस्कर कंट्री ने एंड्री रेजोलिना को भी इलेक्ट कर लिया है एज द प्रेजिडेंट फॉर द थर्ड टर्म फिर इसी के बाद स्पेनिश और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं पैद्रो सेंचेस राइट right? फिर इसी के साथ साथ बताओ एम डी एंड सीईओ ऑफ कॉटेक बैंक कौन बने हैं अशोक वासवानी इसी के साथ इंटर्म सीईओ अभी वापस सीईओ कौन बन गए हैं नॉट इंटर्म वापस सीईओ कौन बन गए हैं ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन और सैम ऑल्टमैन ही आपके सीईओ ऑफ द ईयर 2023 हैं अगर एथलीट ऑफ द ईयर की बात करें तो लाइनल मैसी रहेंगे एंड अगर पर्सन ऑफ द ईयर की बात करें तो वो रहेंगी टेलर स्विफ्ट और ये पहली विमेन है जो कि सेकेंड टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अपॉइंट की गई है टाइम्स मैगजीन के द्वारा नेक्स्ट विच कंट्रीज टेनिस टीम हैज रिसेंटली वन डेविस कप 2023 बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया तो डेविस कप किसके द्वारा जीता गया इटली के द्वारा जीता गया डेविस कप होता किसके लिए है टेनिस के लिए है ठीक है मार्क करके चलेंगे एंड इटली बिकम द टेंथ नेशन टू होल्ड द नंबर वन रैंकिंग सिंस द डेविस कप नेशन रैंकिंग वर इंट्रोड्यूस्ड नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स वर रिसेंटली प्लेयर्सेंटलीटल फॉर सेकंड प्लेस इन द लाई लीनिंग चाइना चाइना मास्टर्स 2023 इवेंट जो कि में हुआ नवंबर में तो इंडिया के स्वास्तिक साईराज रानिक रेड्डी एंड चिराग सेट्टी इनको यहाँ पे सेकंड पोजीशन आई इन दिस इवेंट यहीं पे अगर मैं मेंस की बात करूं मैन सिंगल्स की और वीमेन सिंगल्स की बात करूं तो मैन सिंगल्स किसके द्वारा जीता गया तो मैन सिंगल्स यहाँ पे जीता गया है कोडाई नारोकुआ के द्वारा कोडाई नाराओका के द्वारा ये जापान से बिलोंग करते हैं ये मेंस कैटेगरी में इन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीता और वीमेन्स सिंगल टाइटल जीता गया है चेन यू फी के द्वारा जो कि चाइना से बिलोंग करती हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है व्हिच कंपनी हैज रिसेंटली साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द प्रोक्योरमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 16 अपเกรડેડ सुपर रैपिड गन माउंट तो बताइए वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल राइट right, इन्होंने कॉन्ट्रेट जीता भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 16 अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट और इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट रहेगी टू नाइन फाइव सिक्स एट नाइन करोड़ रुपीस नेक्स्ट इन नवंबर आईआरडीआई इन्होंने फॉर्म की एक इलेवन मेंबर टास्क फोर्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ दो ऑन द इंश्योरेंस सेक्टर तो यहाँ पे याद रखेंगे आईआरडीआई ने अभी एक इलेवन की टास्क फोर्स सेटअप करी थी करेक्ट और इस इलेवन मेंबर टास्क फोर्स किसकी चेयरमैनशिप के अंडर होगा रणदीप सिंह जगपाल राइट right? इनकी चेयरमैनशिप के अंडर होगा ये और ये जो डीपी डीपी एक्ट है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ये बेसिकली क्या है कि अगर कोई भी कंपनी रेगुलेशंस के साथ फॉलो नहीं करती है और जो पर्सनल डाटा उसका मिसयूज करती है ढाई से तीन करोड़ रुपए तक की भी यहां पेनल्टीज इन पर पे इंपोज करने की बात की गई नेक्स्ट हु हैज रिसेंटली नेम्ड फॉर द ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज नैनसिन रेफ्यूजी अवार्ड तो नैनसिन रेफ्यूजी अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया अब्दुल्ला मीरे ये सोमालिया से बिलोंग करते हैं राइट एंड इनको अभी सम्मानित किया गया है विद दिस नैनसिन रेफ्यूजी अवार्ड इस अवार्ड को प्रेजेंट किया गया था एट ए सेरेमनी जो कि 13 दिसंबर को होगी अभी जिनेवा स्विट्जरलैंड में एंड इन्होंने एक लाख से भी ज्यादा बुक्स को यहां पे डोनेट किया टू द यंग इंडिविजुअल्स जो कि रेफ्यूजीज हैं फ्रॉम वेरियस कंट्रीज सच एस कीनिया क्स्ट विच अमंगेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विज ऑफ धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रनोरशि है टू द यू इन नवंबर दो हजार नेक्स्ट हुआ रिसेंटली रिसीव द फर्स्ट एवर लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड तो, तो सलमान रुशीद के द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया गया इनको विद द लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड ये प्रेजेंट किया गया था न्यूयॉर्क यूएसए में राइट और इन्होंने काफी नॉवल्स ऑथर करी हैं करेक्ट एंड इनको 2008 में क्वीन एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड से सम्मानित भी किया गया था ही वाज नाइटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड फॉर इस सर्विस टू लिटरेचर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू थर्टी एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स हेल्ड इन गोवा फ्रॉम ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर टू नाइन्थ ऑफ नवंबर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा आपका ए बी सी तो याद रखेंगे तीनों ऑप्शन ठीक रहेंगे छत्तीसवां आपका ने ही आपका नेशनल गेम था गोवा में हुआ था महाराष्ट्र ने मेडल टैली में टॉप किया और इसीलिए इनको राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया गया 228 मेडल्स इन्होंने जीते थे ज्योति याराजी आंध्र प्रदेश से इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द वीम हंड्रेड मीटर हर्डल्स एंड इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया यहाँ पर वहीं पे चौदह साल के स्विमर धीनिधि देसिंगूम ये कर्नाटका से हैं इन्होंने सेवन मेडल्स गोल्ड मेडल जीते हैं इंक्लूडिंग हर विन इन द हंड्रेड मीटर फ्री स्टाइल इवेंट विद्यू नेशनल रिकॉर्ड ऑफ फिफ्टी सेवन पॉइंट एट सेवन सेकेंड नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विजिट ऑफ पी एम नरेंद्र मोदी टू झारखंड इन नवंबर दो हजार तेईस तो यहां पर अगर देखें ऑप्शन ए बी सी तीनों ऑप्शन यहां पर ठीक नहीं है ऑप्शन ए गलत है बाकी बी और सी बिल्कुल सही रहेंगे ए ऑप्शन कह रहा है कि पीएम मोदी ने विजिट किया झारखंड और इन्होंने एड्रेस किया सेलिब्रेशन ऑफ फिफ्थ एडिशन ऑफ जनजातीय गौरव दिवस जो कि तेरह नवंबर को हुआ टू कमेबरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा तो ये सबसे पहले याद रखेंगे ये तो एक तो फिफ्थ एडिशन नहीं है कौन सा एडिशन था यह थर्ड एडिशन है जनजातीय गौरव दिवस का कब था पंद्रह नवंबर को ऑब्जर्व किया गया ना कि तेरह नवंबर को अब ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक रहेगा ठीक फिर अगर मैं बात करूं हॉर्नबिल फेस्टिवल की कहां पर है नागालैंड में ऑब्जर्व किया जाता है एक से लेकर दस दिसंबर के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है देन केरला रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इसने यू एनडबूडीओ के लिस्ट में यहां पे अपना नाम आया इसका देन वाटर स्मार्ट किड कैंपेन वाटर स्मार्ट किड कैंपेन ये वाटर स्मार्ट किड कैंपेन जो है ये किस स्टेट का है तो ये मेघालय का है राइट वाटर स्मार्ट किड कैंपेन कहां का है मेघालय का है नेक्स्ट इन विच सिटी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका मित्रा शक्ति कमेंट किया गया ऑन 16th ऑफ नवंबर 2023. तो याद रखेंगे ninth edition of this exercise, मित्रा शक्ति, इंडिया और के बीच में हुई, कहां पर पुणे महाराष्ट्र में हुई थी लोकेशन पूछी जा रही है और ये ninth edition है. ठीक मार्क करके चलेंगे नेक्स्ट आ जाता है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग टू द एशियन पावर मैगजीन एज ऑफ नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री। इनके हिसाब से देखें तो यहां पे भी तीन ऑप्शन आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे इसके अलावा याद रखेंगे इंडिया इको हाँ सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, लिए यहां यह बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन राइट फिर इसी के साथ साथ बात करेंगे हैंफेस्ट की। हैंफेस्ट 2023 की। कहां पर हुई अहमदाबाद अहमदाबाद में हुआ आपका हेम्फेस 2023. नेक्स्ट किस कंट्री ने रिसेंटली रिलेक्ट किया पेड्रो सेंचेस को एज देयर प्राइम मिनिस्टर अभी हमने देखा था कि स्पेन के द्वारा ये इलेक्ट किए गए थे मूविंग ऑन फोर्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट ये लॉन्च किया गया बाय इंडियन नेवी इन कतुपली चेन्नई तमिलनाडु पूछा जा रहा है उसका नेम क्या रहेगा तो ये नेम है आमिनी आमिनी एक आइलैंड है लक्षद्वीप राइट में एंड उसके बेसिस पे ये जो फोर्थ एडिशन रहेगा इसकी नेमिंग की गई जी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा एंड ये आमिनी क्या है एक अर्नाला क्लास सबमरीन है अर्नाला क्लास सबमरीन रहेगी नेक्स्ट पद्माना बालाकृष्ण आचार्य पीबी आचार्य जी ये फॉर्मर गवर्नर है किस स्टेट के राइट फ्रॉम जुलाई 2024 से जुलाई 2019 के बीच में जिनका रिसेंटली निधन हो गया तो ये नागालैंड के याद रखेंगे आपके गवर्नर रहेंगे एंड ही इज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ नागालैंड एज वेल एज याद रखेंगे ये इनको इनके पास एडिशनल चार्ज भी था गवर्नर ऑफ नागालैंड का गवर्नर ऑफ त्रिपुरा गवर्नर ऑफ असम गवर्नर ऑफ मणिपुर एंड गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश नेक्स्ट विच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइंड टू अग्रीमेंट्स विद इंडिया टू बूस्ट मोबिलिटी यूथ मोबिलिटी एंड कल्चरल एक्सचेंज इंडिया एंड इटली के बीच में स्टूडेंट एक्सचेंज हो सकें कल्चर्स एक्सचेंज हो सकें बच्चे एक जगह से दूसरी कंट्री में जाएंगे तो एक दूसरे के कल्चर को वहाँ पे ले जा सकें दूसरी कंट्री के कल्चर्स को सीख सकें इसीलिए लिए ये इंडिया और इटली के बीच में ये यूथ मोबिलिटी एंड कल्चरल एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किया गया

मलेशिया के द्वारा थाईलैंड के द्वारा श्रीलंका के द्वारा राइट इवन वियतनाम पे प्लानिंग में टू ग्रैंड फ्री वीजा टू इंडियंस फिर RBI ने बैंक ऑफ पे सिटी बैंक पे इंडियन ओवरसीज बैंक पे अभी कितना फाइन इंपोज किया है तो टेन पॉइंट थ्री फोर करोड़ रुपीज का यहां पे लोन इंपोज किया गया नेक्स्ट हु हैज बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड की मैनेजर पर्सनल ऑफ द कोटक महिंद्रा बैंक फॉर थ्री तो न को अपॉइंट किया गया वो है अशोक वासवानी को नेक्स्ट आरबीआई ने अप्रूव किया हिंदुजा ग्रुप एंटिटी इंडस्ट इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड टू एक्वायर डैश कंपनी तो यहां बात रहेगी रिलायंस कैपिटल को यहां पे एक्वायर करने की की इनकी बात गई हिंदुजा ग्रुप ने यहां पे सबसे ज्यादा बिडिंग लगाई ऑफ अमाउंट नाइन सिक्स फाइव जीरो करोड़ रुपीज एंड उस बिडिंग के बाद इन्होंने रिलायंस कैपिटल को यहां पे एक्वायर करने का अप्रूवल मिल गया नेक्स्ट सीबक थ्रोन अभी हमने देखा था इसको जी आई टैग मिला कहां का है ये तो ये लद्दाख का प्रोडक्ट रहेगा जी और ये फोर्थ प्रोडक्ट है फ्रॉम लद्दाख जिसको अभी टैग मिला नेक्स्ट किस ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन ने अभी रिसेंटली साइन किया एक ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन प्रोजेक्ट कोलेब्रोशन अग्रीमेंट ऑफ आयुष तो किनके साथ इन्होंने टाइप किया वो है डब्लू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने एक प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन अग्रीमेंट साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ ताकि जो हमारी ये आयुष रिलेटेड मेडिसिन किया जा सके and इसका एक कराया गया स्विट्जरलैंड में राइट right? और इसी से रिलेटेडी प्रिपेयर करेगा 2025 हजार पच्चीस से लेकर दो हजार चौतीस तक फॉर द सेम रिसेंटली क्राउंड विद यूनिवर्स एट द सेवेंटी सेकेंड मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट 2023 जो थ्री जो रिपब्लिक ऑफ एल सेलवाडोर में हुई तो किनको किया गया वो है हैस पेलासियोस, ये निकारागुआ से हैं और ये फर्स्ट वीमेन बनी है फ्रॉम निकारागुआ जो अपॉइंट की गई या जिनको क्राउन किया गया विद मिस यूनिवर्स टाइटल ड्यूरिंग द सेवेंटी सेकेंड मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट ठीक मार्क करके चलेंगे इसको और अभी जो सेवेंटी थर्ड इवेंट होगा मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट का वो कहां पर होगा मैक्सिको में होगा तो राइट ऑप्शन ऑप्शन टू नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन हैज बिन रिसेंटली अवार्डेड विद द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआमेंट एंड डेवलपमेंट दो हजार बाईस तो वो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेन नर्सिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया राइट तो मार्क करके चलेंगे आई एम ए एंड ट्रेन मेडिकल ट्रेन नर्सिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन दोनों के द्वारा इन दोनों को यहाँ पे इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया क्योंकि ये कोविड वॉरियर्स थे कोविड नाइनटीन के टाइम पे इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद करी है लोगों की एंड दे वर कंसिडर्ड एज द वॉरियर्स ड्यूरिंग दैट टाइम

तो अगर यहां पे बात करें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही रहेगा बीस बी गलत है क्योंकि ये कह रहा जा रहा था गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड सिक्स मंथ्स टू इन्वेस्ट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम फॉर इंडिविजुअल्स एज अबी टू बट बिलो सिक्सटी टू तो नहीं याद रखेंगे ये तीन मंथ्स यहां पे दिए जाएंगे टू इन्वेस्ट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स टू इंडिविजुअल्स अब फिफ्टी फाइव एंड बिलो सिक्सटी ठीक मार्क करके चलेंगे नेक्स्ट पे आते हैं फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टूफ्टी फर्स्ट इंटरनेशनल एम ई अवार्ड प्रेजेंटड बाई द इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ टेलीवि इन नोम ए बी सी यहाँ पर अगर ऑप्शन देखा जाए तो तीनों ऑप्शन पे बिल्कुल सही रहेंगे इंडियन कॉमेडियन एक्टर वीरदास इन्होंने भी एम ई अवार्ड्स जीता कॉमेडी कैटेगरी फॉर ए शो वीरदास लैंडिंग एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन कॉमेडियन टू विन द एम ई अवार्ड तो बिल्कुल सही दूसरा है एकता कपूर जो फाउंडर है को फाउंडर है बालाजी टेलीफेन्स की इनको ऑनर किया गया विद विदरनेशनल एम ई डायरेक्टरेट अवार्ड फॉर कॉन्ट्रीब टू द वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट बिल्कुल सही तीसरा है ब्रिटिश राइटर एंड प्रोड्यूसर जैसी आर्मस्टॉन्ग चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ एच एंड मैक्स कॉन्टेंट इनको ऑनर किया गया विद दो इंटरनेशनल एम ई फाउंडर अवार्ड एबीसी तो तीनों ऑप्शन यहां पर आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे नेक्स्ट एसीसी ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ विनय एम टोंग से एज द डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डैश बैंक फॉर इयर्स

राइट वेस्ट बंगाल के अभी ब्रांड एंबेसिडर कौन अपॉइंट किए गए दादा जिनको सौरभ गांगुली या फिर सौरभ गांगुली जिनको दादा के नाम से भी जानता है प्रिंस ऑफ वेस्ट बंगाल के नाम से भी जाना जाता है देन फिक्की के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं अनिश शाह अनश शाह ठीक है नेक्स्ट इन विच स्टेट फोर्टींथ एडिशन ऑफ द इंडिया यूएसए ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार वाज कमेंस ऑन ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ नवंबर तो वज्र प्रहार ये जो एक्सरसाइज है कहां पर हुई मेघालय में हुई उमरोई मेघालय में ये एक्सरसाइज कराई गई थी एडिशन था वज्र प्रहार का जो कि इंडिया एंड यूएसए के बीच में ये एक्सरसाइज देखने को मिली थी थ्री वीक लॉन्ग मतलब इक्कीस डे लॉन्ग आपकी एक्सरसाइज थी जो कि कहां पर हुई उमरोई मेघालय में नेक्स्ट नेम द बुक दैट वॉज ओरिजिनली रिटर्न इन तमिल एस

बंगाल के नाम से भी जानते हैं इनको पदमाश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और अर्जुना, से। अर्जुना से 1998 में इनको पद्मा श्री से 2004 में सम्मानित किया गया था नेक्स्ट विच आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द आई एम इंडिया मोबाइल कांग्रेस हेल्ड इन अक्टूबर 2023 तो यहां पे देखेंगे ऑप्शन ए इनकरेक्ट रहेगा बाकी बी और सी बिल्कुल सही है बी और सी ए इनकरेक्ट है तो मतलब इसमें अगर हम देखें बात करें पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया नाइन्थ एडिशन ऑफ आईएमसी जो कि एशिया का लार्जेस्ट टेलीकॉम मीडिया टेक्नोलॉजी फोरम न्यू दिल्ली में है जिसकी थीम है न्यू डिजिटल यूनिवर्स तो ये चीजें गलत हैं एक तो ये नाइन्थ एडिशन नहीं रहेगा ये सेवंथ एडिशन और थीम भी गलत है न्यू डिजिटल यूनिवर्स यहां पे थीम नहीं रहेगी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन रहेगी थीम ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन यहां पे इसकी थीम रहेगी और बी और सी तो बिल्कुल ठीक है ऑप्शन नेक्स्ट नेक्स्ट है भूपेंद्र पटेल जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात इन्होंने अनवेल किया है क्रेस्ट ऑफ द इंडियन नेवलशिप डैश इंडीजीनियस अंडर कंस्ट्रक्शन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय प्रोजेक्ट बी तो पूछा जा रहा है क्या नाम रहेगा उस आई का तो वो है आई एन सूरत करेक्ट इंडियन नेवलशिप सूरत करेक्ट इसका अभी क्रेस्ट अभी अनवेल किया गया एंड इट कम्स अंडर द प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फसाइज फिफ्थ एडिशन ऑफ द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो कि अभी रिलीज की गई मनसुक मंडविया के द्वारा तो याद रखेंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ठीक रहेगा ये कह रहा है विद द इंक्लूजन ऑफ द न्यू पैरामीटर्स इन ट्वेंटी इंडेक्स नाइनटीन आउट ऑफ ट्वेंटी लार्ज स्टेट्स रिकॉर्डेड ड्रॉप इन देयर

सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आई रिपीट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मनोज आहूजा के द्वारा अभी कृषि 24 ये ये लॉन्च किया गया ये इंडिया का पहला पावर्ड रहेगा फॉर ऑटोमेटेड एग्रीकल्चर न्यूज मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस पूछा जा रहा है ये जो कृषि ट्वेंटी फोर बाई सेवन है किसके द्वारा लॉन्च किया गया अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर फिर यहीं पर याद रखेंगे जो ये कृषि ट्वेंटी फोर बाई सेवन है ना बेसिकली फार्मर्स को हेल्प करेगा इनको वेदर मॉनिटरिंग का रिपोर्ट प्रोवाइड कराने में राइट right? इनको कैसे अपनी फसल को आगे ग्रो करना है किस तरीके से ग्रो करना है वो सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी विद द हेल्प ऑफ ए आई एंड मशीन लर्निंग पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा ये बनाया गया है तो वादवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इसको डेवलप करा गया विद द सपोर्ट फ्रॉम गूगल डॉट ओ आर जी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फाइड ग्रैंड स्विस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री Held from October to November 2023. Zara to, कौन सा रहेगा कौन से पॉइंट करेक्ट है तो याद रखेंगे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही है बस ऑप्शन बी गलत है क्योंकि इंटरनेशनल मास्टर वैशाली रामेश बाबू वन द सेकेंड एडिशन ऑफ द फाइड विमेंस ग्रैंड स्विस टाइटल बाई डिफिटिंग जीएम अन्ना ऑफ यूक्रेन तो क्या यह ठीक है नहीं क्यों क्योंकि कौन क्यों सा एडिशन इनके द्वारा जीता गया यहां पर

By Indian Customs in collaboration with Regional Intelligence Liaison Office Asia Pacific and RILO Middle East to curb the illegal trade of timber including red sanders. Timber क्या है आपकी लकड़ी होता है तो इसका illegal trade को रोकने के लिए right यहाँ पर अभी recently एक phase launch किया एक operation launch किया गया जिसका phase four फोर, मतलब fourth edition launch किया गया है तो याद रखेंगे ये रहेगा operation Shisha right लकड़ी के illegal trade को रोकने के लिए red sanders के ट्रेड को इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए ये ऑपरेशन शीशा लॉन्च किया गया था 2015 में करेक्ट एंड इसमें 70 कंट्रीज इन्वॉल्व रहेंगी इस ऑपरेशन शीशा में एंड याद रखेंगे इंडिया में जो रेड सेंडर्स है ना ये लकड़ी ये कहां की नेटिव है आंध्र प्रदेश की नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल ए सेफ्टी समिट जो भी नवंबर में हुई इससे रिलेटेड देखें तो सारे ऑप्शन यहां पर आपके बिल्कुल सही रहेंगे यूके गवर्नमेंट होस्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट एट ब्लैचली पार्क इन बकिंगम यूके और ये जो ज्लेटली डिक्लेरेशन थी ना बेसिकली ये क्या थी कि हमें AI को ना सेफ्टी से यूज़ 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 करना है है हम AI को किसी गलत तरीके से यूज नहीं करेंगे करेंगे इसको प्रमोट एंड के यूज के ऊपर बहुत बात की गई है, राइट कि AI कितना आगे बढ़ रहा है आजकल हम देख रहे हैं कितनी डेवलपमेंट हो रही है तो उसका कोई गलत यूज ना कर सके उसका सेफ यूज होना चाहिए सिक्योर यूज होना चाहिए इसीलिए यहां पर कंट्रीज ने एमओ यू यहां पर डिक्लेरेशन ये साइन किया और उस डिक्लेरेशन को ब्लैचली डिक्लेरेशन बोला गया तो तीनों ऑप्शन यहां पे ठीक रहेंगे नेक्स्ट नेम द बैंक जिन्होंने कोलेबोरेट किया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ टू लॉन्च प्लेटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड तो प्लेटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड के साथ टाइप करने वाला बैंक कौन बना इन द सेम बैंक राइट इन्होंने टाइप किया किसके साथ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एंड ये रुपए पे रुपए नेटवर्क पे वर्क करेगा आपका क्रेडिट कार्ड राइट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ शॉर्ट प्राइस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अनाउंस इन नवंबर अगर यहां पर देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे इसी के साथ साथ जरा बताओ अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड क्लाइमेट समिट कॉप ट्वेंटी राइट दुबई यूएई में हमें देखने को मिल रहा है फिर इसी के साथ साथ अगर बात किया जाए धाबी ग्रैंड पिक्स धाबी ग्रैंड पिक्स की बात की जाए तो किन्होने जीता मैक्स वस्टेपन के द्वारा जीती गई नेक्स्ट हु हैज रिसेंटली स्मॉन इन एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने हैं अभी रिसेंटली वो है हीरा समारिया राइट right, हीरा समारिया ये आई ऑफिसर है करेक्ट ये सक्सीड किनको करेंगे यशवर्धन कुमार सिन्हा जिनका सीआईसी का टर्म अभी खत्म हो जाएगा तीन अक्टूबर दो को मतलब ऑलरेडी खत्म हो चुका है मूविंग ऑन विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड एन एम विद इंडिया फॉर कारपोरेशन ऑन मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट तो वो है नीदरलैंड नीदरलैंड ने अभी इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया ताकि जो मेडिकल प्रोडक्ट्स है ना उनकी क्वालिटी को एनहेंस किया जा सके करेक्ट नीदरलैंड एंड इंडिया मूविंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इको वॉरियर्स अवार्ड 2023 जो कि इंडिया का फर्स्ट एवर डेडिकेटेड अवार्ड शो रहेगा फॉर द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स प्रेजेंटेड इन नवंबर 2023 इससे रिलेटेड अगर बात करें तो तीनों ऑप्शन यहां पर आपके बिल्कुल सही रहेंगे मार्क करके चलेंगे इनको अगर पूछा जाए नेशनल मिल्क डे कब ऑब्जर्व किया जाता है 26 नवंबर को संविधान दिवस ये भी आपका 26 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है फिर इसी के साथ साथ बताओ वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे ये भी आपका छब्बीस नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है एंड चौबीस नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं शहीद दिवस शहीदी दिवस या फिर मार्टम डे जो हम ऑब्जर्व करते हैं ऑफ गुरु तेज बहादुर कब चौबीस नवंबर को नेक्स्ट नेम द एक्टर हु हैज बिन अपॉइंटेड एज द यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर ऑफ एनपीसीआई तो अभी याद रखेंगे यूपीआई की सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए कि यूपीआई की जो पेमेंट सिस्टम है वो सेफ है इसको प्रमोट करने के लिए इंडियन एक्टर पंकज त्रिपाठी जी जिनको हम कालिन भैया के नाम से भी जानते हैं इनको यहाँ पे अपॉइंट किया है एज द यूपीआई सेफ्टी अम्बेसिडर फिर इसी के साथ साथ बताओ अभी रिसेंटली दस्ट डे लॉन्ग उत्तराखंड महोत्सव हुआ और ये उत्तराखंड महोत्सव याद रखेंगे यूपी में हुआ था ठीक फिर इसी के साथ साथ वो यूनिवर्सिटी कौन सी बनी जिन्होंने अपनी खुद की सैटेलाइट लॉन्च किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे हैव लॉन्च देयर ओन सैटेलाइट राइट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फिर इसी के साथ साथ ग्लोबल हाउसिंग प्राइस राइज की अगर मैं बात करूं तो कौन सी स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया इन द या कौन सी सिटी ने टॉप किया या टॉप भी नहीं कहेंगे हम फोर्थ पोजिशन कहेंगे करेक्ट सेल्फ किस सिटी ने की फोर्थ पोजिशन रही इन द ग्लोबल हाउसिंग प्राइज राइज में तो वो है मुंबई नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड फूड इंडिया जो कि अभी न्यू डेली में हुआ इन नवंबर अगर इसके हिसाब से देखें तो वर्ल्ड फूड इंडिया न्यू डेही में हुआ कौन सा पॉइंट इसमें से करेक्ट रहेगा तो वो है आपका ए और सी ऑप्शन ठीक रहेगा क्योंकि जो बी ऑप्शन कह रहा है कि मानव एक प्रोबोट या फूड प्रोसेसिंग रोबोट है एंड इज द मास्कोट ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 नहीं मास्कोट आपका मानव नहीं है मास्कोट क्या है मिल इंद आपके मास्कॉट का नाम रहेगा और ये रोबोट है वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट, जो में हुआ था असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो अभी रिसेंटली इसका हेडक्वार्टर कहा है गुरुग्राम हरियाणा प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन रहेंगे अजय माथुर एंड चिली यहां पर अभी कौन सा कंट्री बना तो याद रखेंगे चिली नाइन्टी फिफ्थ मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का राइट right? और ये कौन सी असेंबली रहेगी इंडिया होस्टेड द सिक्स असेंबली बिल्कुल सही तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी सही है सी गलत है क्योंकि नाइन्टी सेवन्थ नहीं चिली बना है आपका नाइन्टी फिफ्थ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड ये प्रोजेक्ट 2015 में लॉन्च किया गया था बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस के मिलके द्वारा इन दोनों के द्वारा मिलके इसको लॉन्च किया गया था नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वाकरेली साइमेंट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 की अगर हम बात करें इसमें से ऑप्शन एबीसी देखें तो ऑप्शन तीनों यहां पे ठीक रहेंगे क्योंकि इंडिया की 118 यूनिवर्सिटी थी इस रैंकिंग में एंड इंडिया एंड होल्ड्स द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द एशिया हायर एजुकेशन सिस्टम सरपासिंग चाइना पैकिंग यूनिवर्सिटी जो बीजिंग चाइना में इन्होंने फर्स्ट पोजीशन रिटेन की इन द क्वाकली साइमन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एंड आईआईटी बॉम्बे इन मुंबई महाराष्ट्र ग्रैप द टॉप स्पॉट इन इंडिया विद फोर्टी पोजीशन इन द एशिया रैंकिंग नेक्स्ट इंक्लूसिवनेस इंडेक्स की बात करें यह पब्लिश किया गया अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पे इंडिया की रैंक थी 117 आउट ऑफ वन नेशंस एंड किस कंट्री ने यहाँ पे टॉप किया न्यूजीलैंड ने यहाँ पे टॉप किया फॉर द सेकंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर अगर मैं बात करूँ काउ की

तो ये कौन सी कंपनी बनी वो है अशोक लीलैंड राइट अशोक लीलैंड वो पहली इन हाउस एल इंजन बनाने वाली ओ एम बनी जिसका और इंजन का नाम रहेगा एवीटीआर नाइनटीन नाइनटी टू नेक्स्ट नेम द कंट्री जिन्होंने रिसेंटली साइन किए कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिया टू तो सप्लाई एंड प्रोड्यूस हैंडहेल्ड एंटीक एयरक्राफ्ट मिसाइल आईजीएलएस पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मन पास तो किसके द्वारा ये करा गया रशिया के द्वारा यहां पे याद रखेंगे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया इंडिया के साथ फॉर द सप्लाई एंड प्रोडक्शन ऑफ हैंन हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल आई जी एल ए एस जो कि एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम रहेगा करेक्ट एंड यहीं पे याद रखेंगे ये जो आपका रेंज रहेगी इसकी ऐसे ये रेंज रहेगी आपकी पाँच सौ मीटर से लेके छह हजार मीटर्स तक और अगर ऑल्टीट्यूड की बात करें तो दस मीटर से लेके मीटर्स तक ये ऑल्टीट्यूड में आपका जा सकता है आई जी एल एमपा जो की है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम राइट एंड ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे वर्क करेगा नेक्स्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया चार सौ मिलियन डॉलर का पॉलिसी बेस्ड लोन अग्रीमेंट विद इंडियन गवर्नमेंट टू क्रिएट हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक राइट एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट के साथ चार सौ मिलियन डॉलर का एक पॉलिसी बेस्ड लोन अग्रीमेंट साइन किया राइट right? प्रोग्राम इज इंडियाज अर्बन रिफॉर्म एजेंडा बेसिकली यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की गई और हम जानते हैं आजकल सिटीज में ही आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होती है एंड ज्यादा आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है जो मूवमेंट हो रहा है वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में हो रहा है फॉर द सेम इसीलिए यहां पर अर्बन एरियाज को डेवलप करने की बात की गई अगर मैं पूछूं कॉलिज वर्ड ऑफ द ईयर क्या रहेगा वो है ए आई फॉर दो हजार तेईस नेक्स्ट एनएचआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्होंने एक्सेप्ट किया फर्स्ट इंश्योरेंस शॉर्टी बॉन्ड एज बिड सिक्योरिटी फॉर द टॉल ऑपरेटर ट्रांसफर बंडल फॉर इन बिड द बॉन्ड वॉज इशूड एट ऑफ पॉइंट टू फाइव परसेंट मां करके चलेंगे नेक्स्ट नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली साइन किया एक पार्टनरशिप विद द इंडियन शटलर एच एस प्रनोय फॉर ब्रांड प्रमोशन तो फेडरल बैंक ने एच एस प्रनोय को जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है इनको अपॉइंट किया एज द ब्रांड अम्बेसडर नेक्स्ट हु हैज रिसेंटली ऑनर्ड विद द 2023 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर एंड कॉर्पोरेट सोशल बाय यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम तो वो रहेंगी नीता अंबानी राइट इनको यहाँ पे अभी ऑनर किया गया ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से फॉर फिलेंथ्रॉफी एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से नेक्स्ट अर्जेंटीना के लाइनल मैसी इन्होंने अभी बेलेंडियो अवार्ड जीता फॉर द एथ रिकॉर्ड टाइम एंड इसी के साथ साथ आइताना बॉन माती जो कि स्पेन की है इनको बैलेंडियर अवार्ड से सम्मानित किया गया इन वीमेन कैटेगरी तो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन टू और लाइनल मैसी ही अभी टाइम्स मैगजीन के एथलीट ऑफ द ईयर 2023 ये घोषित गए मूविंग ऑन इन अक्टूबर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च मेरा युवा भारत माय भारत प्लेटफॉर्म ये माय भारत इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द डैश डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने मेरा युवा भारत ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया पूछा जा रहा है कि ये जो माई प्लेटफॉर्म है ये किसके अंडर डेवलप किया गया तो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स के अंडर इसको डेवलप किया गया ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट ये इंकरेज करेगा यूथ पार्टिसिपेशन इन नेशन बिल्डिंग ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी पे स्किल्स की बात की जाएगी ताकि यूथ नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर सके नेक्स्ट क्स्ट आ जाता है फिर डैश एडिशन ऑफ एक्सरसाइज का एक एनुअल बाट्रल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान जो की अभी कहां पर हुई इन कजाकिस्तान तो कौन सा एडिशन था इस एक्सरसाइज का ये सेवेंथ एडिशन रहेगा ऑफ दिस एक्सरसाइज काजिन, काजिन तो इंडिया आर्मी और कजाकिस्तान आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई और यहां पे याद रखेंगे इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में डोगरा रेजिमेंट डोगरा रेजिमेंट से यहां पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला फ्रॉम इंडिया नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैव टली फीचर्ड इन द लिस्ट ऑफ द यूनेस्कोस क्रिएटिव सिटी नेटवर्क तो दो सिटीज याद रखेंगे यहां पे आई हैं इंडिया से एक है सिटी ऑफ म्यूजिक एक है सिटी ऑफ लिटरेचर सिटी ऑफ म्यूजिक रहेगी ग्वालियर जो मध्य प्रदेश से है एंड कोजिकोडी केरला ये आपकी सिटी ऑफ लिटरेचर रहेगी जिनको अभी लिस्ट किया गया है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में नेक्स्ट विच क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर इन इंडिया हैज रिसेंटली कोलेबरेटेड विद रिलायंस रिटेल लिमिटेड टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड टू प्रोवाइड अ वर्ल्ड क्लास कस्टमर एक्सपीरियंस तो वो रहेगा एसबीआई कार्ड वा करेंगे इसको भी दो तरीके में लॉन्च किया जाएगा ये दो वेरिएंट्स में एक रिलायंस एसबीआई कार्ड और दूसरा है रिलायंस एस कार्ड प्राइम एंड ये रुपए पे वर्क करेगा नेक्स्ट सेबी इन्होंने अनवेल किया एक न्यू फॉर्मेट फॉर स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये जो नए नॉर्म्स हैं इनको रिकमेंड किया गया है बाय द म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी एंड दे देम इन टू फोर्स फेन तो ये एक अप्रैल दो से फोर्स में आ जाएंगे

नेक्स्ट नेक्स्ट है शिव रिटेन द टाइटल दो ईयर के लिए यहां पर याद रखेंगे शिवनादर ने रिटेन किया टॉप पोजिशन ऑफ इंडिया मोस्ट जनरस फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन द एल्डल गिव ह्यूरन इंडिया फिलेंथ्रॉफी लिस्ट जो कि अभी नवंबर में रिलीज किया गया तो ऑप्शन थर्ड यहां पर ठीक रहेगा करेक्ट और नेक्स्ट पे आते हैं फिर नेक्स्ट है नेम द एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन नेवी जिन्होंने रिसेंटली डी कर दिया गया जिसको आफ्टर ऑफ सर्विस टू द नेशन एट हंसा राइट गोवा में ये आई एन एस हंसा में यहां पर छब्बीस साल की सर्विस रही थी इसकी एयरक्राफ्ट की क्या नाम रहेगा एल्यूशन थर्टी एट सी ड्रैगन राइट इसको अभी डी कर दिया गया था आफ्टर फोर्टी सिक्स ऑफ सर्विस टू द आई एन एस हंसा नेक्स्ट फॉलोइंग of आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू with ट्वेंटी थ्री 2023 ऑफ द अर्थ अनाउंस announced यू एन ईपी तो याद रखेंगे यहां पर अगर ऑप्शन ए बी सी देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे इसी के अलावा पूछा जाए डब्ल्यू एच ओ में एसई ए आर रीजन में साउथ ईस्ट एशियन रीजन में किनको यहाँ पर अभी लीड अपॉइंट किया गया है तो वो है साइमा वाजेद राइट फिर किनको अभी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया बी का भी हमने देखा था कोपू सदाशिव मूर्ति को और याद रखेंगे जो ये साइमा वाजिद राइट ये डॉटर है किन की प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल शेख हसीना की नेक्स्ट आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया मिनिमम अमाउंट फॉर ऑफरिंग नॉन कैलेबल टर्म फ्रॉम डिपोजिटी लाख रुपीज टू डैश तो याद रखेंगे आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑफरिंग नॉन कैलेबल टर्म डिपोजिट फ्रॉम फिफ्टीन लाख रुपीज टू डैश तो फिफ्टीन लाख रुपीज से कितना इंक्रीज कर दिया उसको एक करोड़ रुपए तक का और एक करोड़ रुपए तक की कोई भी अगर यहां पे डिपॉजिट होंगे, फिक्स डिपॉजिट होंगे, टर्म डिपॉजिट होंगी तो उनको विड्रॉ किया जा सकता है इजिली नेक्स्ट आईआरडीआई इन्होंने फॉर्म किया एक टास्क फोर्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग बैंकेंस फ्रेमवर्क तो किनके अंडर यहां पर ये यह, आईआरडीआई के द्वारा एक टास्क फोर्स फॉर्म की गई क्या नाम रहेगा उनका बताओ जरा तो वो है मीना कुमारी तो मीना कुमारी की चेयरमैनशिप के अंडर एक अभी टास्क फोर्स सेटअप की गई बाय आई ताकि जो बैंकरेंस फ्रेमवर्क है ना उसके ऊपर यहाँ पे काम किया जा सके राइट उसको रिव्यू किया जा सके कि ये जो प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है बैनकरेंस में या जबरदस्ती जो सेलिंग की जा रही है ऑफ पॉलिसीज टू द कस्टमर्स ऑफ बैंक उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं ये बात की गई और इस सेम इसी के लिए 31 दिसंबर तक 2023 तक यहां पर एक रिपोर्ट भी सबमिट करने की बात की गई नेक्स्ट ज रिसेंटली नॉमिनेटेड एज द रीजनल डायरेक्टर ऑफ डब्लू एच ओ एसईआर रीजन अभी हमने देखा साइमा वाजेद जो कि डॉटर है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की, की प्राइम मिनिस्टर रहेंगी नेक्स्ट पीएम नरेंद्र मोदी इन्होंने अनाउंस किया एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टिल डैश ईयर तो 2028 तक यहाँ पे एक्सटेंशन मिल गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को ये 2020 के दौरान इसको लॉन्च किया गया था कोविड 19 के टाइम पे ताकि फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके जो कि लोगों को हमने देखा लॉकडाउन की वजह से बहुत दिक्कत आई थी तो ऐसे टाइम पर लोगों को फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराने की बात की गई राइट दो तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया नेक्स्ट विच कंपनी रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट फॉरन डायरेक्ट फर्स्ट फॉरन कंपनी टू गेट गवर्नमेंट ऑफ अप्रूवल फॉर हंड्रेड परसेंट एफ डी आई इन द डिफेंस सेक्टर तो वो कंपनी कौन सी बनी वो है साब ए बी ये हंड्रेड परसेंट एफ डी आई इन्वेस्ट कर सकती है इन डिफेंस सेक्टर एंड यहीं पर याद रखेंगे इनकी मदद से हम एक मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टेब्लिश करेंगे ऑफ कॉल गुस्ताफ एम फॉर रॉकेट लॉन्चर इंडिया में आई रिपीट कार गुस्ताव एम फोर रॉकेट लॉन्चर को यहाँ पे इसकी फैसिलिटी इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की जाएगी इंडिया में एंड यहाँ पे जो एफ प्रपोजल रहेगा वैल्यूड रहेगा एट फाइव करोड़ रुपीज नेक्स्ट ए इन्होंने एक्सटेंड कर दिया टेन्योअर ऑफ ए राजीव जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ऑफ डैश फॉर सिक्स मंथ्स तो बैंक ऑफ बरो महाराष्ट्र के आई रिपीट बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जिनका टेन्योर छह महीने से यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है

जो कि एविएशन यूनिट है ऑफ द इंडियन आर्मी इनके द्वारा इस न्यू जनरेशन रॉकेट एंड टेर टर्मिनेशन को भी टेस्ट किया गया फ्रॉम दिस इंडिजीनियस अटैक हेलीकॉप्टर जो है रूतरा राइट right? मार्क करके चलेंगे इसको डिजाइन एंड डेवलप किया गया बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयर फोर्स तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर नवंबर मंथ अब आ जाते हैं कुछ और रिवीजन करंट अफेयर्स पे जो कि आपकी लर्निंग में बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे हेलो एवरीवन तो आज की वीडियो में नौ नवंबर के हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहेगा तो एंड तक बने रहिएगा काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा चलिए स्टार्ट करें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक कैंपेन की जो कि है जल दिवाली जल दिवाली वीमेन फॉर वाटर वाटर फॉर वीमेन कैंपेन यह भी लॉन्च किया गया किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये बेसिकली कैंपेन लॉन्च किया गया था ताकि वीमेन एम्पावरमेंट हो सके एक तो और दूसरा वीमेन को यहाँ पे एम्पावर किया जा सके बाई ट्री टॉकिंग दैम एंड बाय टेलिंग दैम अबाउट द वेरियस प्रोसेसिस जो कि आपकी वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस हो गई वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस हो गई सेफ ड्रिंकिंग वाटर को कैसे ट्रीट किया जाता है आपके प्लांट्स में इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर उनको अवेयर कराने के लिए यह लॉन्च किया गया था ठीक है ये जल दिवाली ये फर्स्ट फेज था आपका वाटर फॉर वीमेन वीमेन फॉर वाटर कैंपेन का जो कि सात से लेकर नौ नवंबर के बीच में हुआ था करेक्ट एंड यहीं पर याद रखेंगे अगर पूछा जाए कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा यह लॉन्च किया गया था तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था एंड ये आपका कैंपेन अमृत स्कीम के अंदर लॉन्च किया गया था और अमृत क्या है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स की ही ये फ्लैगशिप स्कीम रहेगी ठीक है तो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वाटर को सेफ बनाने के लिए कैसे सेफ होता है कैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर घर में आता है कैसे वो ट्रीट किया जाता है उस सब के ऊपर यहां पे को अवेयर कराने का काम किया गया फिर यहीं पे याद रखेंगे परा अर्बन अकेडमी ये नॉलेज पार्टनर थी ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंपेन जो कि है जल दिवाली वीमेन फॉर वाटर वाटर फॉर वीमेन कैंपेन वॉट इज द थीम ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉरपोरेशन इन एनफोर्समेंट मैटर्स तो थीम क्या रहेगी पहली ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉरपोरेशन इन एनफोर्समेंट मैटर्स तो क्या थीम रहेगी वो है इट टेक्स अ नेटवर्क टू फाइट अ नेटवर्क ये आपकी कॉन्फ्रेंस 30 अक्टूबर से लेके फर्स्ट नवंबर तक हुई ठीक एंड इस कॉन्फ्रेंस को कहां पे कराया गया था न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किसके द्वारा कराई गई निर्मला सीतारमन मैम के द्वारा इसको इनॉग्रेट कराई गई एंड इसको और इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया कराया गया गया था गया था ऑर्गेनाइज डीआरआई के द्वारा डीआरआई क्या है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इनके द्वारा इसको कराया गया अगर डीआरआई के मैं डायरेक्टर जनरल की बात करूं मोहन कुमार सिंह हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा ठीक है इट टेक्स अ नेटवर्क टू फाइट अ नेटवर्क ये आपकी थीम रहेगी पहले ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉरपोरेशन इन एनफोर्समेंट मैटर्स की करेक्ट तो आप यहां पे देख सकते हैं फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉरपोरेशन इन एनफोर्समेंट मैटर्स न्यू डेली में हुई तीस अक्टूबर से एक नवंबर तक हुई एंड द देंस वॉज है होस्ट की गई ऑर्गेनाइज की गई किसके द्वारा के द्वारा डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस नेक्स्ट विच फाउंडेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड बाई ओ एंड इसी फाउंडेशन डे के सेलिब्रेशन के द्वारा भविष्य निधि अवार्ड आई रिट रिपीट भविष्य निधि अवार्ड्स ये भी यहाँ पे रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे करेक्ट एंड जो ये इवेंट था कौन से फाउंडेशन डे का सेवेंटी फर्स्ट फाउंडेशन डे का ऑफ ई पी एफ ओ ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया लोकेशन क्या रहेगी भारत मंडपम जो कि न्यू डेली में रहेगा ठीक है।, है याद रखेंगे भविष्य निधि अवार्ड्स इसी सेवेंटी फर्स्ट फाउंडेशन डे के दौरान ई पी एफ ओ के जो कि है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन भारत मंडपम पे ये इवेंट हुआ इसको वर्चुअली इनोग्रेट किया गया था किसके द्वारा भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इसको वर्चुअली इनग्रेट करा गया था ई पी एफ ओ की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कौन रहेंगी मिस नीलम शामी राव हेडक्वार्टर न्यू डेली में रहेगा और कब इस्टेबलिश किया गया ई पी एफ ओ को नाइनटीन फिफ्टी टू में तो यहां पे आप देख सकते हैं ईपीएफओ सेवेंटी फर्स्ट फाउंडेशन डे था इसका ईपीएफओ का भारत मंडपम पे सेलिब्रेट किया गया और यहीं पर भविष्य निधि अवार्ड से सम्मानित किया गया लोगों को नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं किस कंट्री ने होस्ट किया वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट दो अब देखो ए आई सेफ्टी समिट क्या दर्शाता है यहां पर कि हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया गया था बाय और ये एरा स्टार्ट हुआ है जब ओपन ए ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया था राइट इससे हमने देखा कि ए में काफी ज्यादा भाग दौड़ आ गई है काफी ज्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है इवन आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक एक्ट्रेस की फेक वीडियो लॉन्च कर दी गई थी इंटरनेट पर एंड ये दर्शाया जा रहा है कि जो डीप फेक वीडियोस होती हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल रह सकती हैं इवन अमिताभ बच्चन ने यहाँ पे अपना कंसर्न सामने लाए थे इसके लिए इवन हम देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना जिस रेट से ये ग्रो कर रहा है ना जिस रेट से यहाँ पे डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है वो फोर टू फाइव टाइम्स है मतलब अगर हम देखें साल भर में दो साल में तीन साल में तो जो ए में डेवलपमेंट हो जाती थी ना हो रही है और जो पहले नॉर्मल डेवलपमेंट होती थी वो बहुत ज़्यादा है ए में एज कम्पेयर टू अदर डेवलपमेंट्स या किसी और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के हिसाब से देखें क्योंकि सब कुछ डाटा का खेल है ऑनलाइन होता है सब डाटा और एआई को जब आप ऑनलाइन डाटा प्रोवाइड कराते हैं तो वो अपने आप इतना ट्रेंड होता है वो कि वो किसी भी चीज़ को हम क्रैक भी कर सकते हैं हैक भी कर सकते हैं बीजिली इवन आपको पता होगा जो चैट जी था पहले स, पहले आपका सप्तम्बर दो तक का वहाँ पे इंटरनेट का डाटा था उसके पास लेकिन अभी उसको अपडेट करके अप्रैल 2023 तक कर दिया गया है राइट तो और ए इतना ज्यादा डेंजरस है कि सारी कंट्रीज के नेशन सभी लोग जो पावरफुल लोग हैं वो इस पर एक चेक रखने की बात कर रहे हैं और इसीलिए ये समिट हुई थी वर्ल्ड की पहली फर्स्ट ए सेफ्टी समिट और इसी सेफ्टी समिट के दौरान पूछा गया कि हुई कहां पर यूके में हुई और इसी सेफ्टी समिट के दौरान एक डेक्लेन साइन किया गया था उस डेक्लेन का नाम क्या है तो वो है ब्लैटली डेक्लेन करेक्ट ये ब्लैटली डेक्लेरेशन जो है याद रखेंगे पहली ए आई सबिट या फिर ए आई के ऊपर ये डिक्लेरेशन साइन किया गया था एंड यहीं पर लॉन्च करने की बात की गई वर्ल्ड का पहला ए आई सेफ्टी इंस्टीट्यूट ठीक है तो वर्ल्ड का फर्स्ट ए आई सेफ्टी इंस्टीट्यूट और ब्लैशली डेक्लेरेशन यहाँ पे साइन किया और इस ब्लैशली डेक्लेरेशन को कितने नेशंस के द्वारा साइन किया गया था 28 नेशंस के द्वारा इसको साइन किया गया था करेक्ट ताकि जो ए का जो मिसयूज हो सकता है हमें वो नहीं करना है हमें तरीके से रहना है एंड जो भी हार्मफुल टेक्नोलॉजीज हम जनरेट कर सकते हैं ए की मदद से उस पर चेक लगाने की बात की गई यहीं पे हम देखेंगे जो 28 कंट्रीज उसमें इंडिया जाता है यूएसए चाइना यूरोपियन यूनियन इन्होंने साइन किया वर्ल्ड का पहला एग्रीमेंट नोन एज द ब्लैटली डिक्लेरेशन जो कि ए सेफ्टी समिट 2023 यूके में जो हुई थी उसके दौरान साइन किया गया था जहां पे कंट्रीज ने प्लेज किया टू कॉपरेट एंड टू प्रमोट सेफ यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलिए नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इनके द्वारा मिलकर अभी एक नया स्टैम्प कलेक्शन लॉन्च किया गया है एंड ये स्टैम्प कलेक्शन लॉन्च किया गया था मैडम मैरी क्यूरी को सम्मानित देने के लिए उनको ऑनर करने के लिए उनके हंड्रेड एंड ट्वेंटी एथ बर्थ एनिवर्सरी पर जो कि सात नवंबर को ऑब्जर्व किया गया मैडम क्यूरी कौन थी काफ़ी फेमस ये आपकी साइंटिस्ट रह चुकी हैं इन्होंने रेडियम एंड एक और आ, रेडियम के साथ याद रखेंगे वो था आपका पोल पोलोनियम इन दो एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था ये दोनों एलिमेंट्स आपके रेडियो एक्टिव थे जिसकी वजह से इनको फ्यूचर में कैंसर हो जाता है और इनकी डेथ हो जाती है बट इस रेडियो एक्टिव इनके डिस्कवरी से हमें जो न्यूक्लियर एनर्जी है हम रेडियो एक्टिविटी का पता लगा रेडियो एक्टिव से हम देखते हैं आजकल कितनी एनर्जी हम जनरेट कर पाते हैं करेक्ट एटम बॉम्ब्स आपके इसी प्रिंसिपल्स पर बने हैं तो इनको काफी ज्यादा यहाँ पर सम्मान दिया जाता है और ये पहली व्यक्ति बनी है हिस्ट्री में जिनको दो नोबेल प्राइस से सम्मानित किया गया एक फिजिक्स में एक केमिस्ट्री में फिजिक्स में इनको सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज से उन्नीस में एंड केमिस्ट्री से सम्मानित किया गया था केमिस्ट्री में इनको उन्नीस में इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था आ, मैडम क्यूरी का जो जन्म हुआ था वो था आपका एटीन सिक्सटी सात नवंबर एटीन सिक्सटी सेवन राइट तो मैडम क्यूरी की बर्थ एनिवर्सरी पर ही उनको ऑनर करने के लिए नया स्टैंप कलेक्शन लाया गया किसके द्वारा लॉन्च किया यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा इसके अलावा कई और लोगों को यहाँ पे इनके स्टैंप से सम्मानित किया गया जैसे कॉफी आनंद महात्मा गांधी फ्लोरेंस नाइटिंगेल मदर टेरेसा एंड सो ऑन सबसे पहले बात कर रहे हैं हम विच एडिशन ऑफ बेंगोल ग्लोबल समिट बे, विच एडिशन ऑफ बेंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट वॉज हेल्ड इन कोलकाता वेस्ट बंगाल जरा बताओ तो याद रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया गया था सातवां एडिशन था इस बेंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का 21 एंड 22 नवंबर को ये ऑब्जर्व करा गया था कोलकाता वेस्ट बंगाल में करेक्ट और इसका एम क्या था यहां पर ताकि जो भी आपके एंटरप्रनोर हैं थिंक टैंक्स हैं बिज़नेस लीडर्स हैं उनको एक साथ लाया जाए एंड आगे हम अपने कैसे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बिजनेस को आगे बढ़ा सके इन अ फ्रेंडली स्टेट इन कोलकाता वेस्ट बंगाल ठीक है फिर यहीं पे हम देखेंगे 188 एमओयूज़ एलओआईज़ साइन किए गए करेक्ट एंड ड्यूरिंग दिस सेवेंथ एडिशन चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी इन्होंने अनाउंस किया कि 3.76 लाख करोड़ की हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी विद द हेल्प ऑफ दिस लेटर ऑफ इंटेंट्स एंड एमओ इसी के अलावा हम देखेंगे कि अभी रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने प्लेज किया कि बीस हजार करोड़ की हम इन्वेस्ट करेंगे वेस्ट बंगाल में आई इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड लॉन्च द आई मार्स एप्लीकेशन फिर यहीं पे एमओयू साइन किया गया बिटवीन एनएससी एंड वेस्ट बंगाल ताकि फंड रेजिंग कर सके फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस राइट यहीं पे फिर एमेजॉन एंड वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैम टूगेदर एंड साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू बूस्ट द एक्सपोर्ट फ्रॉम वेस्ट बेंगाल ठीक फिर वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगी ममता बनर्जी कैपिटल क्या है कोलकाता गवर्नर कौन रहेंगे सी वी आनंदा बोस अगर नेशनल पार्क की बात करूं तो सुन्दरवन नेशनल पार्क सिंगलीला नेशनल पार्क जलपड़ा नेशनल पार्क, पार्क ये सब यहाँ पे रहेंगे राइट right? फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनी तो कोलकाता में बनी कोलकाता वेस्ट बंगाल में किस रिवर के नीचे बनी यह आप मुझे होमवर्क में बताओ ठीक है किस रिवर के नीचे किस रिवर के बेड में हमें पहली अंडर वाटर मेट्रो देखने को मिलती है कोलकाता वेस्ट बंगाल में सेकेंड है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना इसको कितने साल तक एक्सटेंड कर दिया गया सबसे पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना कब लॉन्च की गई थी यह कोविड के टाइम पे 2020 में लॉन्च की गई थी ताकि पांच किलो फाइव किलोग्राम ऑफ फूड प्रोवाइड करा जा सके पर पर्सन पर मंथ हर महीने हर आदमी को पांच किलोग्राम तक का फूड प्रोवाइड कराने की बात की गई अनाज प्रोवाइड कराने की बात की गई बिकॉज कोविड के टाइम पे हमने देखा जॉब चली गई थी लॉकडाउन लग गया था किसी के पास जॉब नहीं थी लोगों के पास पैसे नहीं थे अपने घर चलाने के लिए खाना खाने के लिए तो उस टाइम पर फूड इनसिक्योरिटी ना हो जाए लोगों को हम देखें माल न्यूट्रिशन के शिकार ना हो जाएं क्योंकि अगर खाना नहीं मिलेगा पैसे नहीं होंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे खाना नहीं खा पाएंगे तो शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी कमजोरी आएगी बीमारी हो जाएंगी उनको तो उन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए वो सिचुएशन ना आ सके तो यहाँ पर ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना स्कीम लॉन्च की गई थी सरकार के द्वारा कि हर महीने पाँच किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेम पर पर्सन हम प्रोवाइड करा सकें एट सब्सिडाइज रेट जहाँ पे रीड राइस व्हीट या ग्रेन्स ये सब प्रोवाइड कराए जाएंगे आप यहां पर जाइए अपना आधा वो राशन कार्ड दिखाइए और यहाँ पे आपको सब्सिडाइज रेट पे आपको फूड प्रोवाइड कराया जाएगा ठीक तो राइट ऑप्शन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल तक एक्सटेंड कर दिया गया है तो आने वाले पांच साल तक यहाँ पे स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया फॉर द नेक्स्ट फाइव ईयर्स तो यहां देख सकते हैं इस स्कीम को इनिशियली 2020 में कोविड 19 के टाइम पे लॉन्च किया गया था टे बाई द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अफेयर डिस्ट्रीब्यूशन चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किस कंट्री ने अभी फोर्टी फोर पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का फंड सेटअप किया है टू स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इन उत्तराखंड एंड द हंगर प्रोजेक्ट बेसिकली हंगर प्रोजेक्ट है इसके लिए फोर्टी फोर पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर की फंडिंग प्रोवाइड कराई जा रही है किस कंट्री के द्वारा तो ये फंडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी नॉर्वे के द्वारा टू इंडिया के प्रोजेक्ट जो कि है द हंगर प्रोजेक्ट यहाँ पे फूड इन सिक्योरिटी के ऊपर बात की जाएगी लोकल वैल्यू चेन सप्लाई चेन्स को डेवलप करने की बात की जाएगी जो स्मॉल स्केल फूड प्रोड्यूसर्स हैं उनको हेल्प करने की बात की जाएगी करेक्ट तो बेसिकली फूड सेक्टर को यहाँ पे ग्रो करने की बात की जाएगी उसको हेल्प करने की सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जाएगी विद फोर्टी फोर सेवन मिलियन डॉलर्स ये जो प्रोजेक्ट है ये जो फंडिंग प्रोवाइड की गई है ये आने वाले तीन साल के लिए ये फंडिंग प्रोवाइड कराई गई है नॉर्वे के द्वारा ये फंडिंग यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है ठीक है और इस फंडिंग से हम देखेंगे काफी अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इंप्लीमेंट भी कराए जाएंगे तो राइट ऑप्शन बनता है नॉर्वे का एड आया फॉर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया जो कि है 44.7 मिलियन डॉलर का और आने वाले तीन साल के लिए रहेगा और किस लिए है द हंडगर प्रोजेक्ट के लिए नेक्स्ट किस चैनल ने अभी कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के साथ टू सपोर्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव तो कौन सा चैनल है वो है कलर्स कलर्स चैनल जो आपका वाईकॉम एटीन का चैनल है एंड इंडिया हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल कलर्स इन्होंने कोलेबरेट किया है किसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ और किस लिए इन्होंने कोलेबरेट किया ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया जा सके एंड जो गर्ल चाइल्ड अबेंडमेंट होता है जो लड़कियों को छोड़ दिया जाता है बच्चों को राइट उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता तो उसके ऊपर यहाँ पे वर्क करने की बात की गई लड़कियों को भी पढ़ाने की बात की गई लड़कियों को भी आगे बढ़ने के लिए उनको मतलब जैसे हम लड़कों को ट्रीट करते हैं सिमिलरली बिल्कुल वैसे यहाँ पर लड़कियों को भी सारे राइट्स उनके प्रोवाइड कराने की यहाँ पर बात है। अब कलर्स कैसे हेल्प करेगा क्योंकि एक एक चैनल है है तो ये सोशल ड्रामा इनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा एक जो कि डोरी के नाम फिर इसी के साथ याद रखेंगे इमरजेंसी टोल फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1028, इसके बारे में भी लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये चैनल ने कोलेबरेट किया और ये चैनल का आपका हेल्पलाइन नंबर एड्स के दौरान ड्यूरिंग द शो ये सारा शोकेस किया जाएगा ताकि जो लोग हैं जो व्यूअर्स हैं उनको इसके बारे में अवेयर किया जा सके ठीक है तो 1098 हेल्पलाइन नंबर है एंड डोरी यहाँ पर एक सोशल ड्रामा शो लेटेस्ट लॉन्च किया जाएगा कलर्स चैनल पे और पूछा जाए तो किस चैनल ने कोलैबोरेट किया तो कलर्स ने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ टू सपोर्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये पहली बार इनिशिएटिव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब लॉन्च किया गया था 2015 में यह इनिशिएटिव आया था ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है जो वीमेन एम्पावरमेंट है उस पर काम किया जा सके नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी स्वेडन की एक कंपनी है साब करेक्ट स्वेडन की कंपनी साब ए बी ये वो पहली इंडिया की कंपनी बनी जिसकी पहली कंपनी बनी इंडिया जिसमें 100 परसेंट एफ अप्रूव किया गया है इन डिफेंस सेक्टर आई रिपीट स्वीडेश डिफेंस कंपनी साब ए बी हैज बिकेम द फर्स्ट फॉरन कंपनी टू गेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल फॉर हंड्रेड परसेंट फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेक्टर और ये जो वैल्यू रहेगी इस एफ डी आई की वो कितनी है पांच सौ करोड़ रुपए इस इन्वेस्टमेंट से इस फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से साब यह कंपनी क्या करेगी यह रॉकेट लॉन्चर बनाएगी इंडिया में और कौन से रॉकेट लॉन्चर कार्ल गुस्ताफ एम फोर या आप पिक्चर में देख सकते हैं यह है कार्ल रॉकेट लॉन्चर इसकी मैन्युफैक्चरिंग ये इंडिया में करेगी और इसी के लिए यहां पे 100% परसेंट एफ अप्रूव किया गया है तो मार्क करके चलेंगे साब ए ए बी की कंपनी है स्वीडन की कंपनी है स्टॉकहोम स्वीडन में इनका हेडक्वार्टर रहेगा माइकल जोहैनसन चीफ एग्जीक्यूटिव एंड प्रेजिडेंट रहेंगे करेक्ट इनको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल मिल गया हंड्रेड परसेंट एफ इन डिफेंस सेक्टर और यहाँ पे पांच सौ करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे ताकि काल गुज्सा ल गुस्ताफ एम फोर रॉकेट लॉन्चर्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा सके नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द फर्स्ट एयरलाइन टू ऑपरेट फ्लाइट फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे पहले तो याद रखेंगे इसका जो कोड रहेगा ना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वो क्या है डी एक्स एन डी एक्स एन इस कोड से सिंबलाइज किया जाएगा ये राइट right? फिर याद रखेंगे ये एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इसी को एक और नाम से जानते हैं जेवर एयरपोर्ट राइट right. ये कहां पे बन रहा है गौतम बुद्धा नगर डिस्ट्रिक्ट में इन यूपीए बन रहा है एंड ये डेली एनसीआर रीजन का याद रखेंगे डेली एनसीआर रीजन का ये सेकेंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा पहला तो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पहली एयरलाइन कौन सी बनी जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अभी अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगी कार्गो के लिए क्योंकि यहां पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है तो यह है इंडिगो राइट तो इंडिगो याद रखेंगे इंडिगो एयरलाइन ये वो पहली एयरलाइन बनी जिन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया फ्रॉम दिस जेवर एयरपोर्ट या फिर नॉर्डन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड बाय द एंड ऑफ 2024 ये ऑपरेशनल हो जाएगा ठीक और याद रखेंगे जैसा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है इसका एम रहेगा टू बिकम द इंडियाज फर्स्ट नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट अगर इंडिगो एयरलाइंस की हम बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे पीटर एल्बर्स हेडक्वार्टर रहेगा इसका गुरुग्राम हरियाणा में एंड 2006 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था नेक्स्ट आ जाता है फिर नेम द आयरिश ऑथर वन बुकर प्राइज 2023 तो कौन है वो आयरिश ऑथर जिनको अभी बुकर प्राइज दो से सम्मानित किया गया वो है पॉल लेंच राइट पॉल लेंच की एक नॉवल है जो जिसका नाम है प्रॉफेट सॉन्ग राइट प्रॉफेट सॉन्ग ये आपका नॉवल का नाम रहेगा जिनके लिए पॉल लेंच को अभी बुकर प्राइज से यहाँ पे सम्मानित करा गया ये जो प्रॉफेट uh, सॉन्ग है इसको पब्लिश किया गया था वन वर्ल्ड के द्वारा राइट एंड इनको अवार्ड दिया गया कि इनके द्वारा 2022 की जो बुकर विनर थी वो थी शहान करुणा टिलिका इनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया ड्यूरिंग एन सेरेमनी जो कि लंदन यूके में हुई इनको पचास हजार पाउंड स्टर्लिंग के सम्मानित किया गया और आयरिश नाम की ट्रॉफी से इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया ठीक है तो मांग करके चलेंगे दो के विनर कौन रहेंगे बुकर प्राइज़ के वो है पॉल लेंज फॉर द हर फॉर हिज नॉवल जो कि है प्रॉफिट सॉन्ग और ये आयरिश ऑथर रहेंगे फिर इसी के अलावा अगर आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछूं मैं जैसे बताओ अभी रिसेंटली वो पहली वीमैन कौन बनी जिन्होंने स्काई डाइव की फ्रॉम माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट से स्काई डाइव करने वाली वो पहली वीमैन कौन बन गई है वो है शीतल महाजन वो कौन है शीतल महाजन देन किस कंट्री ने होस्ट किया सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के द्वारा किया गया हमारी इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया ठीक साइट्स 2.0 पॉइंट यह प्रोग्राम कहां पे लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में किसके द्वारा हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया देन सनफ्लावर सनफ्लावर इनिशिएटिव इनिशिएटिव किस एयरपोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया तो दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया सनफ्लावर इनिशिएटिव को right, राइट मूविंग ऑन नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज सूर्य किरण ये हो अभी इंडिया और किस कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है सूर्य किरण तो इंडिया एंड नेपाल के बीच में एक्सरसाइज सूर्य किरण कंडक्ट कराई जाती है और इसमें भी याद रखेंगे इनकी आर्मीज के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया ठीक है फिर यह 24 नवंबर से लेके 7 दिसंबर तक ये एक्सरसाइज कंटिन्यू होगी और इस एक्सरसाइज का भी कौन सा एडिशन था सेवनटीन एडिशन हमें देखने को मिला लोकेशन क्या रहेगी कहां पे हुई ये एक्सरसाइज तो ये इस बार उत्तराखंड में हमें देखने को मिली इंडिया में ठीक है ये तो थी सत्तरवीं एक्सरसाइज अगर मैं सोलहवीं की बात करूं तो लोकेशन क्या रहेगी तो ये नेपाल में हुई थी लास्ट ईयर दो में और दो में ठीक फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया तो इंडिया की तरफ से जो बटालियन थी वो है कुमोन रेजिमेंट 354 फिफ्टी फोर ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया एंड नेपाल आर्मी की तरफ से था 334 हंड्रेड जो कि तारा दल बटालियन से है करेक्ट और याद रखेंगे हर साल इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जा रहा है दो से मतलब पहली बार फर्स्ट एडिशन बोले या फिर इनग्रल एडिशन आपका कब था दो नेक्स्ट पर आते हैं नेक्स्ट बात कर रहे हैं रिसर्चर्स के द्वारा अभी एक नई फ्रेश वाटर स्पीशीज डिस्कवर की गई है फिश की जो कि एक एडिबल फिश है कहां पर डिस्कवर की गई ओडिशा की महानदी रिवर में राइट ओडिशा की महानदी रिवर में एक नई स्पीशीज ऑफ एडिबल फिश को डिस्कवर किया गया जिसका नाम है अवाउस मोटला अवाउस मोटला और वहां के जो लोकल फिश फिशरमैन है उसको मोटला के नाम से ही भी जानते हैं ठीक है मार्क करेंगे नेक्स्ट पर आ जाते हैं फिर ऑब्यूट्री अभी पाइनरिंग क्लाइमेट साइंटिस्ट सलीमुल हुक, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ सेवेंटी वन इन ढाका बांग्लादेश इनका कराची में जन्म हुआ था करेक्ट पाकिस्तान में सेकेंड अक्टूबर नाइनटीन फिफ्टी टू को एंड इनका भी रिसेंटली निधन हो गया ये है ये डायरेक्टर हैं ऑफ़ द इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट करेक्ट मार्क करके चलेंगे और इनको दो हजार बाईस में ओ बी ई ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया था बाय क्वीन जाते हैं फिर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी इनके द्वारा अभी नहीं खुद की बायोग्राफी अभी ऑथर की गई और ये जो बायोग्राफी है ये किस लिए ऑथर की गई ताकि जो यूथ है उसको यहाँ पर एंकरेज किया जा सके उनको यहाँ पर मोटिवेट किया जा सके ताकि वो अपने एम्स को अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सके करेक्ट और ये जो जो बुक ऑथर की गई है मलयालम लैंग्वेज में इसको ऑथर किया गया इस बुक का नाम क्या रहेगा नीलावू कुडीचा सिम हांगल। आई रिपीट नीलावू कुडीचा सिम हांगल ये बुक का नाम रहेगा मलयालम में ये बुक रहेगी इसरो के चेयरमैन के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया एंड इस बुक को पब्लिश किया गया है केरला बेस पब्लिकेशंस जो कि है लिपि पब्लिकेशंस के द्वारा ठीक है और ये जो नेम है बुक का ये इसका मीनिंग क्या रहेगा अगर ट्रांसलेट करें इसको दैट ड्रंक द मून लाइट चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर वर्ल्ड वीगन डे कब ऑब्जर्व करते हैं एक नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और वीगन क्या होती है वीगन डाइट जिसमें आप कोई भी एनिमल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट को आप कंज्यूम नहीं करते हैं चाहे वो आपका नॉन वेज हो या फिर आपका Uh, जैसे हम देखें मिल्क हो गया पनीर हो गया ये भी कंज्यूम नहीं किया जाता जो भी प्रोडक्ट आपका एनिमल से आता है हम उसको कंज्यूम नहीं करते हैं उसको इस बार याद रखेंगे दो में और ये सॉरी पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था नाइनटीन वीगन डे को ऑब्जर्व किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम करेक्ट तो याद रखेंगे वर्ल्ड को बैंकिंग एंड फाइनेंस आर ने अभी कितने अनऑथराइज फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को ऐड किया इन द अलर्ट लिस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है जब फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है जब आप फॉरेन करेंसीज को बाय एंड सेल करते हैं राइट right? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डॉलर अभी एटी चल रहा है और मैंने बाय कर लिया सौ डॉलर करेक्ट कल एक डॉलर एटी फोर का हो गया तो फिर मैंने ये सौ डॉलर को बेच दिया मुझे प्रॉफिट कितना हुआ एक रुपए का हुआ पर डॉलर तो मेरे को सौ डॉलर थे तो मेरे को सौ रुपए का यहाँ प्रॉफिट हो गया तो इस तरह की भी ट्रेडिंग काफ़ी सारे लोग करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग इसको कहते हैं राइट और ये प्लेटफॉर्म्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं अभी आर के द्वारा ऐड की गई है ऐसी उन्नीस फॉरेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को इन देयर अलर्ट लिस्ट जो कि वो बताती हैं कि काफी रिस्की है इस पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो इट कैन बी रिस्की है आपका पैसा डूब भी सकता है और ये लेके भाग भी सकते हैं राइट तो इससे जो अलर्ट लिस्ट में जो टोटल टोटल एंटिटीज़ एंटिटीज़ हैं 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 वो कितनी हो 75 total entities हो गई गई इन दिस अलर्ट लिस्ट ऑफ आरबीआई ठीक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर नाइन थर्टी फाइव में स्टेब्लिश करा गया था फिर इसी के साथ साथ बताओ इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस कब ऑब्जर्व कहते हैं सोलह नवंबर नेशनल प्रेस डे कब ऑब्जर्व करते हैं सोलह नवंबर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे सत्रह नवंबर देन वर्ल्ड प्री मेचोरिटी डे कब ऑब्जर्व करते हैं सत्रह नवंबर इंटरनेशनल मैंस डे ये भी आपका उन्नीस नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे उन्नीस नवंबर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ये आपका बीस नवंबर अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे बीस नवंबर वीमेन एंटरप्रनोरशिप डे ये भी आपका उन्नीस नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है नेक्स्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रेंट किया हंड्रेड एंड सेवन मिलियन डॉलर का लोन टू मॉडर्नाइज कोचीज वाटर सप्लाई सर्विसेज कोची की वाटर सप्लाई सर्विसेज को बेटर करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यहाँ पे एक सौ सत्तर मिलियन डॉलर का लोन अप्रूव करा गया इस 170 मिलियन डॉलर को किस लिए यूज किया जाएगा ताकि अर्बन लिविंग को इंप्रूव किया जा सके एंड क्लीन वाटर एक्सेस एंड क्लाइमेट रेजिलियंस बनाने के लिए उस एरिया को सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टी ई आर आई एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन राइट तो जो आपके डिजास्टर्स होते हैं राइट right? उसका रिस्क को रिड्यूस करने के लिए उसके लिए पहले से ही हम अवेयर रह सकें राइट right? उसके लिए पहले से ही हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट कर सकें सेफ्टी ला सकें सेफ्टी इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर कर सकें राइट नए नए इनोवेशन एंड नॉलेज शेयरिंग कर सकें कि कैसे अगर डिजास्टर आता है तो उसके हम कैसे बच सकें एंड कैसे क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को हम अवॉइड कर सकते हैं तो किसने साइन किया एम ओ यू ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट राइट इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये एम ओ यू साइन किया गया था अगर मैं एन आई डी एम की बात करूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन रहेंगे यहाँ पर राजेंद्र रत्न एंड नाइनटीन नाइनटी फाइव में इसको इस्टेब्लिश किया गया राइट right? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनआईडीएम एंड टी आर आई इनके बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुआ इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे और क्वेश्चन पूछूं मैं जरा बताओ अभी रिसेंटली किनको मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था एस बी आई का तो वो है विनय देन इन टर्म सीईओ ऑफ ओपन आई आई की कौन बनी थी मीरा मुराती लेकिन अब वापस सैम ऑल्टमैन को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया है देन इसी के साथ साथ जरा बताओ अभी रिसेंटली किन को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया अवार्ड से सम्मानित किया गया एक्टर रायन रेनोल्ड राइट जो आपके जो आपका कौन प्ले करते हैं यहाँ पे राइट रेनोल्ड्स इन्होंने प्ले किया था आपका डेड करेक्ट और इन्हीं को भी सम्मानित किया गया ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से Then, इसी के साथ साथ किनको महाराष्ट्र लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया महाराष्ट्र लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किनको किया गया सुरेश को ठीक है फिर इसी के साथ साथ किनको जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर से सम्मानित किया गया जेसीबी प्राइज ये लिटरेचर के लिए होता है एंड किसको सम्मानित किया गया इस जेसीबी प्राइज से पिरुमल मुर्गन पिरुमल मुरुगन को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक एमओयू साइन किया एनआरडब्ल्यू डॉट ग्लोबल बिजनेस के साथ टू इन जर्मनी एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जर्मनी में जहां पे इंडिया के जो टेक स्टार्टअप्स है ना उनको बहुत जो स्मॉल टेक स्टार्टअप है जो है स्मॉल बिजनेसेस है उनको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा अगर वो जर्मनी यहाँ पे शिफ्ट होते हैं यहाँ पर इनको 180 दिन का फ्री ऑफिस स्पेस भी इनको प्रोवाइड कराया जाएगा रेंट फ्री ऑफिस स्पेस रहेगा राइट स्मॉल इंडियन टेक्स स्टार्टअप्स को जो कि जर्मनी में अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं तो इसी के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एनआरडब्ल्यू डॉट ग्लोबल बिजनेस के साथ एक एमओ यू साइन किया वो रहेगा नासकॉम ठीक है फिर इसी के साथ साथ जरा बताओ दहन प्राइज दहन प्राइज ये अभी पंजाबी लिटरेचर में दिया गया किन दिया गया दीप्ति बबूता ये पहली वीमेन बनी जिनको दाहन प्राइज से सम्मानित किया गया फॉर पंजाबी प्लेटफॉर्म का नाम बताओ जो कि पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया फॉर इंडियाज यूथ इंडिया, इंडिया के यूथ को जैसे हम जानते हैं इंडिया हम चाहते हैं दो तक एक डेवलप नेशन बन जाए करेक्ट तो उसके लिए हमारे यूथ ही जो हमारा पंद्रह से लेके उनतीस साल का यूथ है इसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी करेक्ट इसको अपना जो हमारा लाइन है जिससे हम चाहते हैं कि हमारी जो डेवलपमेंट हो इन लाइन लाने के लिए विद द नेशन यहां पर यूथ को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी स्किल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि वो अपनी फील्ड में एक्सेल कर सके और जॉब अपॉर्चुनिटीज ले सके इसके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जो कि है मेरा युवा भारत या फिर हम बोले माए भारत ठीक है ये लॉन्च किया गया था कब से कब तक लोग के बच्चों के लिए या फिर लोगों के लिए पंद्रह से उनतीस साल के लोगों के लिए इसको लॉन्च किया गया एंड ये एक फाइव डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये फाइव डिजिटल क्या होता है फिजिकल एंड डिजिटल फिजिकल एंड डिजिटल ये प्लेटफॉर्म रहेगा जो कि ऑफर करता है फिजिकल एक्टिविटी अलॉन्ग विद अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट डिजिटली ठीक है मार्क करके चलेंगे मेरा युवा भारत या माय भारत पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया 15 से उनतीस साल के लोगों के लिए लॉन्च किया गया और इंडिया के यूथ को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराने के लिए यहां पे पे लॉन्च किया गया नेक्स्ट देख सकते हैं माय भारत प्लेटफॉर्म ये करेगा यूथ पार्टिसिपेशन इन नेशनल बिल्डिंग एफर्ट्स सेंस ऑफ एंड एंगेजमेंट और ये जो प्रोग्राम है इट इज द कल्बिनेशन ऑफ मेरी माटी मेरा देश जो कि एक कैंपेन है ऑफ अमृत कलश यात्रा नेक्स्ट पर आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022 हजार बाईस विच स्टेट है मैक्सिम नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स तो अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा ये रिपोर्ट आपकी रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर है इन इंडिया 2022 ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि पब्लिश की गई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा यहां पर इस रिपोर्ट में बताया कि एनुअली इंडिया में दो में हमने चार लाख से भी ज्यादा एक्सीडेंट्स ऑब्जर्व करें फिर इसी रिपोर्ट ने बताया तमिलनाडु वो स्टेट बनी विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स और ये फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए तमिलनाडु ने यहां पे टॉप किया है विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो किया ऑलमोस्ट 64,000 थाउजेंड और ये 13.5 परसेंट आ जाता एक्सीडेंट्स जो दो में हुए इंडिया में ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड एक्सीडेंट्स इंडिया 2022 ये रिपोर्ट का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा पब्लिश की गई एंड यूटीज एंड स्टेट्स में मिला के चार लाख इकसठ हजार से भी ज्यादा हमें एक्सीडेंट्स देखने को मिले एंड दो में एक लाख अड़सठ हजार यहाँ पे लोगों की जाने गई एंड चार लोग यहाँ पे इंजर्ड हुए मूविंग ऑन सैतीसवें नेशनल गेम्स किस स्टेट में होंगे तो अभी याद रखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी विजिट पे थे टू महाराष्ट्र एंड गोवा यहां पर इन्होंने काफी चीजें लॉन्च की तो उसमें से एक आ जाता है इन्होंने अभी लॉन्च किया इन्होंने इनोग्रेट किया सैंतीसवां नेशनल गेम्स इन एन ऑफिशियल सेरेमनी पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मार्गुआ इन गोवा 26 अक्टूबर को करेक्ट तो हम देख सकते हैं कि सैतीसवें नेशनल गेम्स कहां पर होंगे गोवा में होंगे यहां पर एक मोटो रहेगा आपके नेशनल गेम्स का वो क्या है गेट महासम्मान निधि योजना इन्होंने डेडिकेट किया लेफ्ट बैंक कैनाल नेटवर्क ऑफ नीलवांडे डैम एंड मोटो जो रहेगा फॉर थर्टी नेशनल गेम्स वो क्या था गेट सेट गोवा और गोवा में होंगे आपके सैंतीसवें नेशनल गेम्स फिर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो आपको याद होगा महाराष्ट्र में फुटबॉल स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन बाकी फुटबॉल लीग के साथ टाइप किया जा रहा है इंटरनेशनल फुटबॉल लीग जैसे बुंडर्स लीग हो गया ताकि जो महाराष्ट्र में यूथ है उनको एंकरेज किया जा सके कि ताकि दे कैन टेक पार्ट इन फुटबॉल फिर महाराष्ट्र की ही बात करें तो गवर्नर कौन है श्री रमेश बायस जी देन यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करें तो तडोबा नेशनल पार्क संजय गांधी नेशनल पार्क देन चंदोली नेशनल पार्क रहेगा एयरपोर्ट्स की यहाँ पे बात करें तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा यहाँ पे और एक डांस फॉर्म भी याद रखेंगे यहाँ का जो है लवानी लवानी यहाँ का डांस फॉर्म इंपॉर्टेंट है मूविंग ऑन नेक्स्ट आ जाते हैं काजिंद जैसा नेम सजेस्ट कर रहे हैं के ए जेड आई काजिन काजिंद एक एक्सरसाइज थी बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री के ए जेड और आई डी कजाकिस्तान मैंने बताया कैसे याद रखना का नाम ब्रेक कर लो उसको कजाकिस्तान एंड इंडिया इन दोनों के बीच में कजाकिस्तान में हमने ये एक्सरसाइज को ऑब्जर्व करा तो राइट ऑप्शन ऑप्शन टू फिर यहीं पे याद रखेंगे जो छठा एडिशन हुआ था वो दिसंबर में हुआ था 2022 में एंड वो कहां पर हुआ था हमें मेघालय में देखने को मिला था इंडिया में फिर दूसरी चीज पूछी जा सकती है कि इंडिया का कौन सा बटालियन यहां पे पार्टिसिपेट किया तो नब्बे पर्सनल थे इस बटालियन में जिसका नाम है डोगरा रेजिमेंट इन्होंने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम इंडियन साइड एंड 90 यहां पे नाइनटी पर्सनल थे जिन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा मूविंग ऑन तो देख सकते हैं इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन दिस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्सरसाइज काजेन कजाकिस्तान में हुई सातवां एडिशन था और ये एक बायोलिटल एक्सरसाइज थी बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान जो कि 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक हुई कजाकिस्तान में हुई और छठा एडिशन मेघालय में हुआ था नेक्स्ट नेक्स्ट फिर बात करते हैं यूनेस्को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीएन यूनेस्को सिट क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क करेक्ट इस लिस्ट में भी रिसेंटली फिफ्टी फाइव सिटीज को ग्लोबली एड करा गया एंड इन फिफ्टी फाइव सिटीज में से दो सिटीज है इंडिया की एक है ग्वालियर मध्य प्रदेश की और दूसरा है कोजिकोडे जो की है केरला की करेक्ट फिर यही पे याद रखेंगे ग्वालियर को हैज बिन डेजिग्नेटेड एज द यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक वेयर एज कोजिकोडे को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित करा गया इंपॉर्टेंट ये डिस्क ये कब डिस्क घोषित किया गया वर्ल्ड सिटीज डे के दिन और वर्ल्ड सिटीज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड सिटीज डे तो क्या क्या, -क्या इंपॉर्टेंट चीज हो गई यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में कितनी टोटल सिटीज ऐड की गई 55 जिसमें से दो इंडिया से हैं एक ग्वालियर एक कोजिकोडे ग्वालियर मध्य प्रदेश से कोजिकोडे केरला से ग्वालियर की बात करें तो यह सिटी ऑफ म्यूजिक डेजिग्नेट की गई ऑफ यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक और, और कोजिकोडे को एज अ सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित करा गया यूनेस्को की बात करें तो डायरेक्टर जनरल ऑड्रे ऑज़ले हेडक्वार्टर कहां पर है यूनेस्को का पेरिस फ्रांस और पेरिस फ्रांस में ही 2024 में ओलंपिक गेम्स होंगे नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं कॉलिंस डिक्शनरी का जो वर्ड ऑफ द ईयर रहेगा 2022 23 का वो क्या रहेगा वो है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लिए क्योंकि अभी हमने देखा 2023 में सबसे ज्यादा हमारी कॉन्वर्सेशन में जो यूज हुआ वर्ड है वो है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेक्ट इसने डोमिनेट किया है सभी कन्वर्सेशंस को ऑफ 2023 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर इसी के साथ-साथ याद रखेंगे अगर मैं बात करूं 2020 2021 और 2022 के वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का क्या था लॉकडाउन 2021 का क्या आपका था वर्ड ऑफ द ईयर वो था एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन और 2022 का परमा क्राइसिस ठीक है तो ये याद रखेंगे दो लेकिन तेईस का सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेक्स्ट नेक्स्ट इंडियन बॉन्ड राइटर नंदनी दास इनको अभी ब्रिटिश बुक फॉर द ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग 2023 के लिए यहां पे सम्मानित किया गया आई रिपीट अभी रिसेंटली नंदिनी दास जो कि इंडियन बॉर्न ऑथर हैं करेक्ट ये यूके में बेस्ड हैं इनको नेम किया गया विनर ऑफ द इलेवेंथ ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर द ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड इनकी बुक के लिए जो बुक क्या का नाम क्या रहेगा कोटिंग इंडिया कोटिंग इंडिया बुक के लिए इनको यहां पर ग्यारहवें ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज के विनर घोषित किया गया है फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग ठीक है और यहीं पर इनको इसके अवार्ड के साथ साथ पच्चीस हजार पाउंड स्टर्लिंग का एक कैश प्राइज भी प्रोवाइड कराया जाएगा राइट ये कहां से बिलोंग करती हैं तो ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं वट बिकेम द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा मार्क करके चलेंगे एट्थ वर्ल्ड कौन सा बना है वो है ट्वेल्थ सेंचुरी का एक टेम्पल ट्वेल्थ सेंचुरी का ये टेम्पल रहेगा तीस साल लगे थे इसकी कंस्ट्रक्शन को ये है अंगोर वॉट कहां पर है अंगोर वॉट कंबोडिया में राइट right? कंबोडिया में रहेगा आपका अंगोर वट और ये एट्थ वंडर बना है ऑफ द वर्ल्ड ये एक एंशियंट टेम्पल है ट्वेल्थ सेंचुरी का एंशियंट टेम्पल है जिसको बनाया गया था किन के द्वारा किंग सूर्या वर्मन वन किंग सूर्य वर्मन द सेकेंड किंग सूर्या वर्मन द सेकेंड ने इनको बनाया गया था तीस साल लगे थे इसकी कंस्ट्रक्शन को एंड 1992 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में ऐड कर दिया गया था कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन रहेंगे हुन मैनेट फ्रॉम पेन यहाँ की कैपिटल रहेगी एंड कंबोडियन रियल यहाँ की करेंसी रहेगी ठीक है तो अंगोरवट यहां पे आप पिक्चर में देख सकते हैं ये आपका एट्थ वंडर बना है ऑफ द वर्ल्ड करेक्ट इसने सरपास किया इटली की को टू बी द वंडर ऑफ द वर्ल्ड चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर इसके अलावा आपसे पूछा जाए जरा बताओ लास वेगास ग्रैंड पिक्स किसने जीती तो मैक्स वेपन के द्वारा जीती गई अगर मैं बात करूं फिर आईसीसी वर्ल्ड कप की 2023 का किसके बीच में फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच में किसने जीता है ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीत लिया है राइट कहाँ पर हुआ था अहमदाबाद में हुआ था अहमदाबाद में भी कहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था जो कि बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है वर्ल्ड का राइट फिर इसी में अगर पूछा जाए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहेंगे वो है विराट कोहली और इसी के साथ साथ वर्ल्ड कप में पचास सिक्स लगा बन मारने वाले वो पहले बैट्समैन कौन बन गए वो हैं रोहित शर्मा ठीक फिर किन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक किया फॉर द मोस्ट सेंचुरीज इन एन ओडीआई वो है विराट कोहली किस कंट्री विच कंट्री बिकेम द चेयर ऑफ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर दो तो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का जो चेयरमैनशिप रहेगी ये जो एक इंटरनेशनल बॉडी है ऑन शुगर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स की इसकी चेयरमैनशिप किस कंट्री के पास रहेगी तो हमारी इंडिया के पास रहेगी 2024 के लिए कि शुगर सेक्टर को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे किन चीजों का ध्यान रखना है एंड जो ग्लोबली क्या स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे वो अब इंडिया के द्वारा करा जाएगा राइट इंडिया में देखें तो यूपी बहुत ज्यादा फेमस है इन दिस सेक्टर सबसे ज्यादा हमें वहीं पर देखने को मिलता है करेक्ट एंड यहीं पे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर यूपी में जो है इन्हीं के द्वारा हम यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने काफी अलग कंट्री के साथ भी कोलैबोरेट किया है जैसे इंडोनेशिया नाइजीरिया इजिप्ट एंड फीजी फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑफ शुगर प्रोडक्ट्स एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका शुगर प्रोडक्ट का ठीक है अगर कंज्यूमर की बात करें तो पंद्रह परसेंट शेयर है हमारे पास वर्ल्ड का और प्रोड्यूसर की बात करें तो हमारे पास बीस परसेंट रहेगा प्रोडक्शन का फिर इसी के साथ साथ एक और आ जाता है एथेनॉल बैंडिंग राइट और अगर मैं एथेनॉल की बात करूं तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है इन एथेनॉल प्रोडक्शन इन एथेनॉल प्रोडक्शन फिर यहीं पर टॉप पर कौन है यूएसए फॉलोड बाय ब्राजील ऑन सेकेंड पोजिशन एंड थर्ड पे आ जाता है हमारा इंडिया ठीक है फिर इसी के साथ साथ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट केन प्राइस एंड ये जो अपने फार्मर्स को भी ना एक प्रॉपर प्रॉफिटेबल अपना शेयर देते हैं हम इंडिया में ठीक है जो फार्म करते हैं शुगर प्रोडक्ट्स को जो शुगर केन को फिर इसी के साथ साथ एक और चीज याद रखेंगे इंडिया ने अभी अचीव किया है ट्वेल्व परसेंट एथेनॉल ब्लैंडिंग विद पेट्रोल इन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री यहीं पे हम इसको बढ़ा के कितना करना चाहते हैं पंद्रह परसेंट करना चाहते हैं फॉर द ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर मतलब नवंबर दो हजार तेईस से अक्टूबर दो हजार चौबीस के बीच में यही हम पंद्रह परसेंट तक ले जाने की बात कर रहे हैं एथनॉल बैंडिंग फिर अगर आई एस यू की मैं बात करूँ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन होसी और यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे इसको स्टेब्लिश नाइनटीन थर्टी सेवन में किया गया हेडक्वार्टर लंडन यू के एंड एटी एट में कंट्रीज यहाँ पर रहेंगी ठीक है तो ये है यहां इंडिया ने अज्यूम की चेयरमैनशिप ऑफ ग्लोबल शुगर इंडस्ट्री बॉडी आईएसओ जो की है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन किस साल के लिए दो चीजें और मैं पूछू जैसे फॉर एग्जाम्पल बताओ अभी रिसेंटली सबसे ज्यादा वीमेन लेड स्टार्टअप्स किस सिटी में हमें देखने को मिलते हैं बेंगलोर में देखने को मिलते हैं बेंगलुरु में राइट वीमेन लेड स्टार्टअप्स बेंगलुरु में हमें देखने को मिलते हैं करेक्ट फिर इसी के साथ साथ जरा बताओ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट कहां रहेगा इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ये कहां पे है शिलोंग में शिलोंग में नेक्स्ट नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड आई रिपीट एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड राइट ये एक आपका कैंपेन है किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया था यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड सी बक्थॉन सी बक्थॉन राइट इसको भी जीआई टैग मिला यह कहां का प्रोडक्ट है तो यह लद्दाख का प्रोडक्ट रहेगा नेक्स्ट नेक्स्ट अगर पूछा जाए फिफ्टी फोर्थ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहां पर होगा गोवा में होगा फिर टू डे लॉन्ग ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस दो दिन लंबी कहां पर हुई अहमदाबाद में भी नेक्स्ट आ जाते हैं पे आप, आप देख सकते हैं ये एंशियन टेम्पल कॉम्प्लेक्स रहेगा कंबोडिया में है ट्वेल्थ सेंचुरी में बनाया गया था किंग सूर्यवर्मन द सेकेंड के द्वारा तीस साल लगे थे इसको बनाने में एन अंगोरवट ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सिंस नाइनटीन नाइनटी टू मूविंग ऑन इंडिया ने अभी साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू डीपन कॉपरेशन ऑन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विद विच नेशन तो किस नेशन के साथ मिलके इंडिया ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की यहाँ पे बात की गई तो इंडिया ने किसके साथ किया ये कॉपरेशन यूरोपियन यूनियन के साथ इससे क्या होगा दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करेंगी जहाँ पर हम देखेंगे कि कई सारी वर्कशॉप्स होंगी पार्टनरशिप होगी नॉलेज शेयर होंगी, होंगी जिससे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा एंड इन दोनों के बीच में हम जानते हैं जो ये सेमी टेक्नोलॉजी है बेसिकली ये सेमी टेक्नोलॉजी आपकी हर टेक्नो हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में चाहे आपका वो फ़ोन हो चाहे ईयरबड्स हो, लैपटॉप हो, टैबलेट्स हो, इवन गाड़ियाँ हो, ड्रोन्स हो हर जगह आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वहाँ पे ये सेमी चिप्स को यूज़ किया जाता है एंड इसका आने वाले टाइम में हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी इसी इको को इसी सेमी कंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए इंडिया और यूरोपियन नेशन के यूरो, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में यहाँ पर ये एम साइन हुआ यूरोपियन यूनियन में कितने मेम्बर्स हैं मेंबर्स रहेंगे और यूरो यहाँ पे तो मार्क करके चलेंगे डॉक्टर अनिश शाह मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ महिंद्रा ग्रुप इनको नेम किया गया प्रेजिडेंट इलेक्ट ऑफ फिक्की फॉर दो हजार ये सक्सीड किनको करेंगे सुब्रकांत पांडा जी को ये सक्सीड करेंगे फिर ऊपन के अब CEO कौन कर लिए गए हैं कई बार चेंज होने के बाद सैम ऑल्टमैन को वापस ही कर लिया गया बट फ्यूचर में फिर बदले जा सकते हैं कौन के के वो है से। फिर इसी के साथ साथ किन को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया आर माधवन को राइट कौन बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग लक्जमबर्ग के प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए लूक फ्राइडमैन ठीक फिर एंड एमडीएनसी कौन अपॉइंट किए गए हैं कोटक बैंक के वो है अशोक वासवानी नेक्स्ट विच कंट्री हैज द मेडल टैली ऑफ एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप के बीच मेडल टैली में किस कंट्री ने टॉप किया वो है हमारी इंडिया ने राइट right, इंडिया ने यहां पे टॉप किया है करेक्ट इंडिया के कितने मेडल्स रहेंगे अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए

नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं फिर आपका यहीं पर अगर हम आपसे एक दो चीज़ और पूछूँ जैसे फॉर एग्जांपल बताओ इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस 16 नवंबर को 16 नवंबर को ही नेशनल प्रेस डे 17 नवंबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे 17 को ही नेशनल एलिप्सी डे 17 को ही हम ऑब्ज़र्व करते हैं वर्ल्ड प्री मेचोरिटी डे उन्नीस नवम्बर को इंटरनेशनल मैंस डे उन्नीस को ही वर्ल्ड टॉयलेट डे उन्नीस फिर बीस नवंबर को अफ्रीकन इंडस्ट्रियलाइजेशन डे एंड उन्नीस नवंबर को ही वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे भी हम ऑब्जर्व करते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे जिसको हम संविधान दिवस भी बोलते हैं छब्बीस नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है राइट छब्बीस छब्बीस नवंबर को ये कहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था एंड इसको लागू करा गया कब छब्बीस जनवरी को राइट छब्बीस जनवरी को हम क्या मनाते हैं रिपब्लिक डे और 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व करते हैं राइट तो अगर हम बोले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ये लागू कब हुआ तो लागू हुआ 26 जनवरी को बन के रेडी कब हो गया था 26 नवंबर को इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं पहला कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया था हमने 26 नवंबर 2015 को बनाया गया था राइट मार्क करके चलेंगे एंड 2015 ये 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी आपकी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं ठीक है मार्क करके चलेंगे इसको नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं फिर नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को भी ये डे ऑब्जर्व किया जाता है एंड अगर मिल्क की बात करें तो फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन कौन है वो है डॉक्टर वर्गिस क्यूरन इनको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि व्हाइट रेवोल्यूशन आपके मिल्क से ही सिंबलाइज रहता है तो

करेक्ट शेपिंग द यूथ एंड कोर वैल्यूज को इम्पार्ट करने के लिए उसके लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है एंड फोर्थ संडे ऑफ नवंबर को यह ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार ये 26 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया सेवेंटी फिफ्थ रेजिंग डे था और इसको एनसीसी के एनसीसी डे के नाम से भी दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड यू कैन फॉलो अस ऑन दूट्यूब चैनल एज वेल एज अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब चैनल यू कैन गो एंड फॉलो अस एट अफेयर्स क्लाउड टेलीग्राम चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द of courses offered to you or the payment which you did on the application you can contact us on the number provided that is seven six double seven triple apart from this friends you can follow us on the facebook as well as on instagram handle that is affairs underscore official in the end friends if you use a code that is vikas10 you will be getting an additional extra 10 percent discount by using this code vikas10 also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support at the rate of affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.